السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كيف حالكم وكيف صحتكم؟ الحمد لله. कल हमने पहले सबक का आगाज किया था और कहा था कि आपने तकरीबन 3 सफहात को का मुताला करके आना है और उनको हल करके आना है जी. तो उसको पढ़ा था जी, बहुत अच्छा. आपने इसे पढ़ा, आपको बताने की किताब आज मिली है आपको. आपका पहला दिन है आज, ठीक है. अजिब अनिल असलतिल आती है, तमारीन है मशकें, तमारीन मशकों को कहा जाता है. अजिब जवाब दें अनिल असलतिल आती है, आने वाले सवालात के. अजिब जवाब दें, अमर का सीगा है. अन इसका माना होता है से. अल असला ये सवाल की जमा है. अनिल असइलति अल आतियति आने वाले, जवाब दें आने वाले सवालात के. अन हर्फ जर है और इसने अल असइलति के नीचे जेर दी है. अरबी जुबान का एक कायदा है कि मेरे पास बुक की जो है वो जो किताब है मतलब है मेरे पास वो अपनी असल शक्ल में है, तो किताब दुरुसुल लुगा अल अरबिया, ठीक है. और जहां तक हमने पढ़ा था उसे हम आगे पढ़ रहे हैं. अगर आप कल पिछले क्लास में शरीक थे तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो आपको बता देते हैं कि हमने पहला सबक पढ़ा था
और पहले सबक की बशकी हमने शुरू कर दी हैं। किसी भी चीज के बारे में उसके अच्छे या बुरे होने के बारे में जो खबर दी जाती है उसे सिफत कहा जाता है। सिफत, चाहे फिर वो अच्छी हो या बुरी हो, और जिसकी सिफत बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि राशिद आलिम है, राशिद आलिम है। तो राशिद क्या हुआ? मौसूफ। और आलिम होना ये उसकी सिफत है। अरबी में इसके नाम क्या हैं? अरबी में मौसूफ को मनऊत कहते हैं। मनऊत, अरबी जबान में मौसूफ को मनऊत कहते हैं और सिफत को नात कहते हैं। नात, नून आइन ता, नात। मनऊत और नात। मनऊत मीम नून आइन वाव और ता, मनऊत। मनऊत ये तो दिखाई नहीं दे रहा यहां पर। और एक है नात, मौसूफ को मनऊत कहते हैं और नात को, सिफत को नात कहते हैं। मैं नहीं समझा, प्लीज एक बात, इस्तलाह का माना। जी, अरबी जबान में जिसकी तारीफ की जाती है उसको मनऊद कहते हैं और जो तारीफ होती है उसे नात कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि नात, नात मुबारक। नात असल में होती क्या है? नात का माने क्या होता है? सिफत, ठीक है। और उर्दू में हम क्या कहते हैं? मौसूफ। और सिफत किसे कहते हैं? तो जो मौसूफ और सिफत है, मौसूफ और सिफत दोनों एक दूसरे के मुशाबे होते हैं अरबी जबान में। जैसे हम कहें कि औरत को अरबी में क्या कहते हैं? इमरातुन, ठीक है ना, इमरातुन। मोनस से अगर हम किसी औरत के बारे में खबर दें कि औरत आलिमा है तो इमरातुन आगे क्या लगेगा? इमरातुन आलिमतुन, इमरातुन आलिमतुन। रजुलुन क्या लगेगा? आलिमुन। इमरातुन आलिमतुन, रजुलुन आलिमुन। जी हाँ, अन हर्फ जर है और अपने इसम के आखिर में जेर देता है। अन का माना होता है से। तो ये जो मौसूफ और सिफत होते हैं ना, मौसूफ और सिफत, मनऊत और नात, ये दोनों एक दूसरे के मुशाबे होते हैं। किसमें? वाहिद तस्निया जम्मा में, मुजक्कर मोनस में, इसी तरह ए आराब के अंदर यानी जबर जेर पेश, इसमें भी एक दूसरे के जो है वो यानी मुशाबे होते हैं। देखें, अगर हम कहते हैं कि खालिदुन, खालिद के बारे में आलिम होने की खबर देनी है तो हम कहेंगे खालिदुन आलिमुन। खालिद वाहिद है, आलिम वाहिद है। खालिद मुजक्कर है, आलिम भी मुजक्कर है, ठीक है। तो मौसूफ और सिफत, और फिर खालिदुन पर पेश है तो आलिमुन पर भी पेश है। तो मौसूफ और सिफत दोनों का बाहम मुत्तफिक होना, एक दूसरे का मुशाबे होना जरूरी है। असल में यहां पर जो ये अल आतियती है ना, ये अल असला की सिफत है। अजिब अनिल असला तिल आतिया, मेरे पास जो है वो कोई स्क्रीन जो ना उसका कोई नहीं है, ठीक है ना, कि मैं आपको सामने स्क्रीन शेयर कर दूं। किताब आपके सामने है और मश्क पहली है।
अगर आपके सामने किताब है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आखिरी हल के तौर पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, ठीक है। और मैं इसको कई मरतबा बता चुका हूं कि मेरे पास कोई इसका स्क्रीनशॉट नहीं है। मिन अईना हाशिमुन, हाशिम कहां से है? अब आप पीछे किताब खोलिए और देखें हाशिम कहां से है। जी मेरे पास पेज नंबर 6 है, ये जामे इस्लामिया मदीना मुनवरा का नुस्खा है मेरे पास, पेज नंबर 6, ठीक है, ये देख लीजिए पेज नंबर 6। मिन अईना हाशिमुन, हाशिम कहां से है? तो हम कहेंगे वो हिंदुस्तान से है, तो वो के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? हुआ। और से इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मिन, हुआ मिन अल हिंदी, वो हिंदुस्तान से है। सवाल नंबर 2 है, अ क्या युहिब्बुल मुदर्रिसु, उससे उस्ताद मोहब्बत करता है? अ क्या, ऐसे हरूफ जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें इस्तिफ़हाम कहा जाता है। उनमें से कुछ तो हर्फ होते हैं और कुछ इस्म होते हैं, अस्मा इस्तिफ़हाम आप उनको कह रहे हैं, अस्मा इस्तिफ़हाम। उनमें से एक है अ, अ इसका माना होता है क्या। इसी तरह माँ, माँ के बहुत सारे माने होते हैं, माँ का एक माना होता है नहीं, माँ का एक माना होता है जो, और माँ का एक माना होता है क्या। मस्मू का आपका नाम क्या है, ठीक है ना, माँ आइंदी मेरे पास नहीं है, मल्लदी यानी माँ क्या 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 चीज, ठीक है ना। और इस तरह माँ मौसूला भी होता है, वल्लाहु खलकुकुम वमा तामलून, नहीं माँ यहां पर जो के मानों में है, वल्लाहु खलकुकुम अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है, वमा तामलून और जो तुम अमल करते हो, व और मा तामलून जो तुम अमल करते हो। तो माँ के तीन माने होते हैं, माँ के तीन माने होते हैं, एक माना होता है माँ का क्या, और दूसरा माना होता है जो, और तीसरा माना होता है नहीं। तो ये हम देखते हैं कि ये इस्तेमाल किसे हुआ है, वहां से इसका माना पता चलेगा। जैसे मस्मू का यहां पर मा किस मानों में है, आपका नाम क्या है, क्या के मानों में है। ठीक है, तो हम जिक्र कर रहे थे कि अ सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता, अ का माना होता है क्या, और अईना पीछे गुजर चुका, ये भी सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, इसका माना होता है कहां। सवाल नंबर 3 है, मिन अईना साअतुहु, जी इसके अंदर सवाल, माइक के अंदर सवाल कीजिए। शेख साहब सवाल नंबर 2 जी, अयुहिब्बुहुल मुदर्रिस जी, इसमें जमीर इस्तेमाल हुई है वो हाशिम की तरफ, जी हाँ, अयुहिब्बुहुल मुदर्रिस, क्या उससे मोहब्बत करता है उस्ताद, ठीक है। आगे है सवाल नंबर 3 के मिन अईना साअतुहु, उसकी घड़ी कहां से है। अच्छा, ये पहले हमने अभी हमने पढ़ा कि मिन जो होता है ना, मिन इसम के आखिर में जेर देता है, तो यहां पर मिन अईना, अईना के आखिर में जेर क्यों नहीं आई, मिन इसम के आखिर में जर देता है, तो यहां जर कहां है जी, किसी को आता है? मिन ये हरूफ जारा में से है,
इसम के आखिर में ये जेर देता है, जर देता है। तो यहां पर मिन अइन, अइन पर मिन दाखिल हुआ है तो उसने जर क्यों नहीं दी? ये मबनी है, ये मबनी है, मबनी उसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती। तो अइन कहां, ये मबनी है। उसकी घड़ी कहां से है? जी जवाब क्या है? ही या मिनल हिंद, वो हिंदुस्तान से है। बिकम ही या, बे कम ही या, वो कितने की है? जवाब है कि वो 100 रुपए की है। क्या अरबी बनेगी? वो मोंडस के लिए जमीर क्या इस्तेमाल होगी? ही या, 100 रुपए की है। देखिए लिखा हुआ है, हिया सबक के अंदर लिखा हुआ है कि वो 100 रुपए की है, महज 100 रुपए की है। हिया बिमिअति रुबियतिन, मबनी से मुराद एक ऐसा जो है वो मबनी, असल में कहते हैं कि जिसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती। अरबी में जो लफ्ज है ना उसकी 3 किस्में होती है ना, ठीक है ना, जो कलाम होता है, कलमा होता है, कलमे की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल और हरफ, ठीक है ना। कुछ अस्मा मबनी होते हैं, कुछ अफाल मबनी होते हैं, और हरूफ तमाम के तमाम मबनी होते हैं। हरफ जो होता है ना इसके आखिर में कोई तब्दील नहीं होती। तो जैसे जमीरें होती हैं वो मबनी होते हैं, अस्मा इशारा मबनी होते हैं, उसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती, ठीक है ना। और फेल मासी भी मबनी होता है, मबनी का मतलब ये होता है कि जिसके आखिर में कोई तब्दीली ना हो। जैसे हा उलाई है, हा उलाई, अब हा उलाई हमेशा हा उलाई ही रहेगा, इसके आगे पीछे कुछ भी दाखिल हो जाए, हर पिछर आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसके आखिर में हमेशा जेर ही रहेगी। एक होता है फ़ाइल, काम करने वाला, काम काम, और एक होता है फाइल, काम करने वाला, और एक होता है मफ़ऊल, जिसके ऊपर काम किया जाए। तो जो फेल उसके बाद फाइल आता है और फिर मफ़ऊल आता है, जो फाइल होता है उसके आखिर में पेश होता है हमेशा, जो भी काम करने वाला हो उसके आखिर में पेश आता है। जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, अब ज़ैदुन के आखिर में पेश क्यों? क्योंकि ये फाइल है। और जो मफ़ऊल होता है जिसके ऊपर काम वाक़े होता है उसके आखिर में हमेशा ज़बर होती है। कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन व कुल्लु मंसूबिन मजरूरुन, हर फाइल मरफू होता है और हर मफ़ऊल, वो कुल मफ़ऊल मंसूबन, और हर मफ़ऊल मंसूब होता है। बिकम का मतलब है कितने की, जी हाँ जी। किताब को देख लें, किताब है दुरुसुल लुगा अल अरबिया, ठीक है, किताब है दुरुसुल लुगा अल अरबिया। ये कुछ इजाफी बातें ही हमारी मश्क के अंदर नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको इजाफी बता रहा हूं ताकि इन बातों की दोहराई हो जाए। जी मफूल के, मफूल के ऊपर जबर होती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बेमिअति का क्या माना होता है, सही है। यह आज आपसे पूछना है, यह आज आपको बताना नहीं है, ये मश्कें हल करने की दिए थी, ठीक है। दोनों का माना एक ही है, इन्नहा बेशक वो, और हिया वो, दोनों मोनस के हैं। सवाल नंबर 5 है, कम अखल लहू, उसके कितने भाई हैं? सबक को देखें और बताइए कि सबक में हाशिम ने क्या कहा था कि मेरे कितने भाई हैं? हम जवाब देंगे कि उसके 3 भाई हैं, उसके 3 भाई हैं, इसकी अरबी बनाए, उसके लिए 3 भाई हैं।
लहू सलासतु इख्वतिन, उसके तीन भाई हैं। कम उख्तन लहू, उसकी कितनी बहनें हैं। सबक में उसने क्या कहा था कि मेरी चार बहनें हैं, ठीक है। हम जवाब देंगे कि उसकी चार बहनें हैं, उसी ही तर्ज पर। लहू, देखिए किताब के अंदर लिखा हुआ है, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना, उसकी अरबी भी किताब के अंदर मौजूद है। लहू अरबाउ अखवातिन, लहू अरबाउ अखवातिन, उसकी चार बहनें हैं। अइन अखवातुहु, उसकी, मोहम्मद आकिल बहुत शुक्रिया कि आपने बता दिया उसके तीन भाई हैं, ठीक है ना। हम अभी जो है वो मशक़ हल कर रहे हैं अरबी में, तो आप अरबी में जवाब दीजिए, ठीक है। अच्छा आगे है, अइन अखवातुहु, उसकी बहनें कहाँ हैं, उसकी बहनें कहाँ हैं। आवाज आ रही है, अइन का माना होता है कहां, तो जवाब देंगे वो यहां मदीना मुनव्वरा में हैं। उसकी बहनें मदीना में हैं या वो मदीना में हैं। या तो ये होगा कि हुन फिल मदीनतिल मुनव्वर, बिल मदीनतिल मुनव्वरा, या फिर ये कहेंगे कि अखवातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरती। हुन या इन हुन, ये भी सही है, इन हुन बेशक वो, बिल मदीनतिल मुनव्वरती, मदीना मुनव्वरा में है, या फिर ये कहेंगे कि हुन बिल मदीनतिल मुनव्वरती, वो मदीना मुनव्वरा में है। दोनों में फर्क क्या है, पहले में हम इन्ना लगा रहे हैं, या फिर पूरा जवाब दे दें कि अखवातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरा, उसकी बहनें मदीना मुनव्वरा में हैं। वीडियो नहीं आ रही है, ऑडियो आ रही है, तो काम चल रहा है तो फिर चलने दें। फिल मदीनतिल मुनव्वरत भी हो सकता है, फिल मदीनतिल मदीना मुनव्वरा में कौन है, तो कम से कम जमीर का इस्तेमाल करेंगे जी, अखवातुहु या इन्नहुन्न या हुन्न। बा क्यों आया है, बा इसलिए आया है ताकि ये बताने के लिए, ये यहां पर बा दर हकीकत फी के मानों में है, फी के मानों में, ठीक है ना। वो अभी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में है, आमतौर पर छोटी जगह के लिए फी इस्तेमाल होता है, जबकि बड़ी बड़ा जो है एरिया हो, जिस तरह मुल्क है, तो उसके लिए बा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं कैसे पता चलेगा कि इन कलाम के अंदर अगर आप ताकीद पैदा करना चाहते हैं, कलाम के अंदर पुख्तगी पैदा करना चाहते हैं और बेशक का माना लाना चाहते हैं, तो आइए आपके ऊपर है कि आप इन लगा दें, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही आम बात करना चाहते हैं तो इन लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी कर सकते हैं अगर पूरा पूरा जवाब दें, इन्नहुन्ना बिल मदीनतिल मुनव्वरति मा अभी हिन्ना वह उम्मी हिन्ना, अपनी अब्बू और अपनी अम्मी के साथ। सवाल नंबर दो है, इसमें सही और गलत, सबक जो आपने पढ़ा था ना, उस सबक में सही और गलत की तायीन करनी है। दाहाद हिल अलामत अमाम अल-जुमल सहीहते, ये निशानी लगाएं, अलामत का माना होता है निशानी। जा रखें, अमर का सीगा है, जा का माना होता है रखें,
हाथ हिल अलामत, ये अलामत, ये निशानी। मुझे नहीं मालूम कि इसके साथ क्या मसला है, ये वीडियो नहीं आ रही। सर स्क्रीन शेयर करें। सही की अलामत रखें सही जुमलों के सामने और गलत की अलामत रखें गलत जुमलों के सामने। वहादिल अलामत, और ये निशानी, अमामल जुमली, उन जुमलों के सामने, अल्लती, वो जो लैसत साहितन, जो सही नहीं है। सबक में हमने पढ़ा हाशिमुन तालिबुन कसलानु, हाशिम सुस्त तालिब इल्म है, क्या ये सही है या गलत है? जी हम कहेंगे कि हुआ मुज्तहिदुन, हाशिमुन तालिबुन मुज्तहिदुन, अगर सही करें तो ठीक है। और नंबर दो यानी बा है, हाशिम तालिबुन मुज्तहिदुन, ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ ये अगला जो है वो सवाल है कि साअतुहु रखीसतुन, उसकी घड़ी सस्ती है, साअतुहु गालियतुन, उसकी घड़ी महंगी है। अब इसमें क्या सही है, अलिफ या बा? अलिफ, ठीक है। हम वीडियो को सेट करवा रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये बार बार एक मैसेज आ रहा है कि कंप्यूटर वाले भाई स्क्रीन शेयर कर दें इस सबक की। ये जो बार बार मैसेज आ रहे हैं कि स्क्रीन शेयर कर दीजिए, तो आपके पास पीडीएफ फाइल भेज दी गई है ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप के अंदर वो पीडीएफ फाइल मौजूद है, आप उसको खोलें और उसको देखें, एलएमएस के ऊपर मौजूद है। अखुन भाई को कहते हैं और उख्तुन बहन को कहते हैं, ठीक है ना। अखुन भाई और उख्तुन बहन, अखुन की जमा क्या आती है? अखवान तस्निया है, दो भाई, जमा क्या आती है अखुन की? इख्वतुन, अखुन भाई और अखवानी, दो भाई, इखवतुन बहुत सारे भाई, जमा। उख्तुन बहन, उख्तानी दो बहनें,
और जमा क्या आती है इसकी, अखवातुन, बहने। सवाल नंबर तीन है, साअतुहु बे अल्फी रूबियतिन, साअतुहु उसकी घड़ी बे अल्फी रूबियतिन 1000 रुपए की है, और बा है कि साअतुहु बे मिअति रूबियतिन उसकी घड़ी 100 रुपए की है। बा सवाल नंबर तीन में सही बा है। सवाल नंबर चार है, अखवातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरा उसकी बहने मदीना मुनव्वरा में है, और बा यह है कि अखवातुहु बिल हिंद उसकी बहने हिंदुस्तान में है। अलिफ अरबी जबान में अपनी जबान में हम उर्दू में जो किसी शख्स के लिए इशारा करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो होता है वो एक छोटा सा लफ्ज है। वो वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है, तस्निया के लिए भी, जमा के लिए भी, मुजक्कर के लिए भी, मोनस के लिए भी, एक ही लफ्ज बनाया है और सारों जो ना वो काम निमटा लिया उससे, ठीक है ना, बचत हो गई। अरबी जबान क्योंकि वसी जबान है तो इसलिए इसमें हर एक के लिए अलहदा से जमीर बनाई गई है। जमीर किसे कहते हैं, किसी शख्स के ऊपर या किसी चीज के ऊपर दलालत करने के लिए जो लफ्ज बोला जाए वो जमीर कहलाता है, ठीक है। किसी शख्स या किसी चीज पर दलालत करने के लिए तो उसके लिए जमीर इस्तेमाल। अच्छा, जमीरें होती हैं तीन तरह की इस दुनिया के अंदर, जितने भी लोग हैं उनकी तीन तरह की उनकी कैफियतें होती हैं, या तो वो मौजूद होगा, हाजिर होगा, या फिर गायब होगा, या फिर यह है कि वो मुतकल्लिम होगा, खुद बात करने वाला। इसके अलावा तो कोई चौथी शक्ल नहीं है या कोई है। दुनिया के अंदर जितने भी अफराद हैं उनकी तीन कैफियत हो सकती, या तो खुद बंदा बात कर रहा होगा, या हाजिर होगा, या गायब होगा। तो मुतकल्लिम के लिए दो जमीरें इस्तेमाल की जाती हैं, मुतकल्लिम के लिए वाहिद मुतकल्लिम, मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को, वाहिद मुतकल्लिम, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो। क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, आना। और जमा, चाहे जमा के अंदर तस्निया भी आ जाता है, ठीक है ना, जमा तस्निया भी उसके अंदर आ जाता है, चाहे उसके अंदर तस्निया हो या जमा हो, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, नहनो। और गायब के लिए, गायब के लिए इस्तेमाल करते हैं हुआ, तस्निया के लिए, तस्निया दो के लिए हुमा, और जमा के लिए हम, वाहिद मोनस के लिए हिया, तस्निया मोनस के लिए हुमा, वही तस्निया मोनस के लिए भी वही इस्तेमाल होगा। जिस तरह तस्निया मुजक्कर के लिए हम हुमा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह तस्निया मोनस के लिए भी हुमा इस्तेमाल करेंगे, और जमा मोनस के लिए हुन, ठीक है। सवाल आया है कि ये गर्दान बोर्ड पर करवा दें, बहुत अच्छा, ये किताब के अंदर लिखा हुआ है और आपके सवाल ने चुगली खा ली कि आपने इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। और वाहिद मुजक्कर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हाजिर के लिए अंत, तस्निया मुजक्कर हाजिर के लिए, तस्निया मुजक्कर हाजिर अंतुमा, अंतुमा जमा मुजक्कर हाजिर के लिए अंतुम, और वाहिद मोनस हाजिर के लिए अंति, तस्निया मोनस हाजिर अंतुमा, वही जो मुजक्कर
तस्निया मुजक्कर हाजिर के लिए हमने इस्तेमाल किया था और जमा मुन्नस हाजिर के लिए अंतुन्ना। ये तो थी जमीरें, इनके ऊपर जब हम इन्न दाखिल करेंगे, इन्न इन्न या यहां पर तो इन्न के जरिए से ये मश्क करवाई है, इन्न अन्न का अन्न लाकिन्न लैत लअल, ठीक है ना, ये छह हरूफ हैं, इन्न अन्न का अन्न लाकिन्न लैत लअल। और ये हमारा हमारा जो कैमरा है ना वो इतना यानी वो धुंधला है कि अगर बोर्ड के ऊपर लिखा भी जाए तो आपको नजर आने वाला नहीं है, तो आप अपनी समातों पर और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें, ठीक है ना, बोर्ड को छोड़ दें क्योंकि ये कैमरा जो है वो बोर्ड को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इन हरूफ को हरूफ मुशब्बह बिल फ़ाइल कहा जाता है, इन्न अन्न का अन्न लाकिन्न लैत लअल, छह हरूफ हैं, कोई लिख दे अगर किसी को याद है तो, इन्न अन्न का अन्न लाकिन्न लैत लअल, ये छह हरूफ हैं, इनको क्या कहते हैं, हरूफ मुशब्बह बिल फ़ाइल, हरूफ मुशब्बह बिल फ़ाइल। जब इन्न अन्न का अन्न लाकिन्न लैत लअल का अन्न, इन्न अन्न का अन्न लाकिन्न लैत लअल, ठीक है, इनको हरूफ मुशब्बह बिल फ़ाइल कहते हैं, मुशब्बह बिल फ़ाइल, फ़ाइल के मुशाबे। क्यों उसको फ़ाइल के मुशाबे कहा जाता है, ये एक बड़ी जो है वो दास्तान है इसके पीछे, और फिर ये है कि ये क्या अमल करते हैं इसम के ऊपर दाखिल होकर, जब ये इसम के ऊपर दाखिल होते हैं ये छह हरूफ, जब ये इसम के ऊपर दाखिल होते हैं तो इसम के आखिर में जबर देते हैं और उसके बाद जो लफ्ज आता है खबर होती है उस खबर के आखिर में पेश दे देते हैं, यानी यूं कह लें कि ये छह हरूफ मुबतदा और खबर पर दाखिल होते हैं, ये छह हरूफ मुबतदा और खबर पर दाखिल होते हैं और मुबतदा के आखिर में जबर देते हैं और खबर के आखिर में पेश दे देते हैं। मुबतदा और खबर की कोई मिसाल पेश करेगा, अरबी जबान में एक होती है फेल और फाइल की मिसाल, जी हां दूसरे साल में ग्रामर नहीं है इसलिए हम उसको साथ लेकर चल रहे हैं, अल मुदर्रिसु जदीदुन, अल मुदर्रिसु मुबतदा जदीदुन ये खबर है, तो जब इसके ऊपर इन्न दाखिल करेंगे तो हो जाएगा अल मुदर्रिसु जदीदुन की बजाय इन्नल मुदर्रिस जदीदुन। मुब्तदा और खबर पर ये छह हरूफ दाखिल होते हैं और मुब्तदा के आखिर में नसब देते हैं, खबर के आखिर में रफा दे देते हैं, वाज़े है। अहसंत, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह गफूर, इन्नल्लाह गफूरुन, अल्लाह गफूरुन, जब इन्न दाखिल हो जाएगा तो इन्नल्लाह गफूरुन, तो मुब्तदा पर दाखिल होकर ये मुब्तदा के आखिर में नसब देते हैं और खबर के आखिर में रफा दे देते हैं। तो जब ये जमीरों पर दाखिल होते हैं, हम जमीरों की बात कर रहे थे, मुतकल्लिम की हो, गायब की हो, हाजिर की हो, तो थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीली आ जाती है, जैसे इन्न हुआ पर दाखिल हो जाएगा तो हो जाएगा इन्न हु, माना क्या हो जाएगा, बेशक वो, वैसे हुआ का माना क्या था, वो एक मर्द, जब इन्न दाखिल हुआ तो माना हुआ इन्न हु, बेशक वो, देखिए इनको कहते हैं हरूफ मुशब्बा बिल फेल, और जो हरूफ नासबा होते हैं ना वो अन लन का इजन होते हैं, वो फेल मुजारे पर दाखिल होते हैं। दूसरे पूरे साल में ग्रामर नहीं है या सिर्फ जो है वो यानी पहले में नहीं हो दूसरे में होगी, तो ये जो दुरुस्त लुगा हम पढ़ रहे हैं ना ये दूसरा हिस्सा,
तो इसके अंदर ग्रामर नहीं है, लेकिन दुरुसुल लुगा का जो तीसरा हिस्सा है जिसको हम इंशाल्लाह दूसरे मुस्तवा में शुरू करेंगे 4 महीने बाद, तो उसके अंदर ग्रामर है, उसके अंदर ग्रामर ही ग्रामर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वहां पर आसानी से कवायद पढ़ेंगे। तो इन मिसालों पर गौर करें। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड जो है, कैमरा इतना धुंधला है कि बोर्ड इसके ऊपर लिखेंगे फिर भी जो है वो ये वास नहीं होगा, और जितनी भी चीजें हैं ये आपके सामने लिखी हुई हैं। सवाल नंबर 3 है और सफा नंबर 7 है। सवाल नंबर 3, सफा नंबर 7 है। आपके पास क्या है बुजुर्गों? सफा नंबर क्या है? सफा नंबर 7 ही है। हुआ पर इन्ना दाखिल करेंगे तो हो जाएगा इन्नहु, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुन्न, और इन्न जब अंत पर दाखिल होगा, इन्न जब अंत पर दाखिल होगा तो हो जाएगा इन्नक, अंत के बजाय इन्नक हो जाएगा। ये माना क्या होगा? अंत का माना होता है आप, और इन्नक बेशक आप, अंतुम तुम सब, इन्नकुम बेशक तुम सब, अंति तू एक औरत, इन्नकी बेशक तू एक औरत, अंतुन्न तुम सब औरतें, इन्न कुन्न बेशक तुम सब औरतें। इन्न जब अन पर दाखिल होगा, और अन का माना होता है मैं, तो उसको दो तरह से पढ़ा जाता है और दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्नी और इन्नी, दोनों तरीके से माना दोनों का एक ही है, माना में कोई फर्क नहीं है। इन्नी और इन्नी दोनों का माना है बेशक में, इन्नी बेशक में, इन्नी बेशक में। जी नहीं, दोनों को इन्नी और इन्नी दोनों के वजन में माना में कोई फर्क नहीं है। का जमीर मुत्तसिल है। जी हाँ, जमीर। अच्छा, नहनो जब इसके नहनो का माना होता है हम, और इन जब नहनो पर दाखिल हो जा होगा तो ये भी दो तरीकों से पढ़ा जाएगा, इन्ना और इन्ना, दोनों तरीकों से पढ़ना सही। दोनों के माना में कोई फर्क है? दोनों के माना में कोई फर्क नहीं है। सवाल नंबर 4 है, अदखिल इन्ना अलल जुमल, अलल जुमल अल आतियति, आने वाले जुमलों पर इन्ना दाखिल करें और उसका तर्जमा करें। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप हल करें। हुआ ताजिरुन, अगर माइक उठा लें, इसका भी एक मसरफ है, ठीक है ना, पैसे हलाल करें इस माइक के। शेख साहब, ये इन्नहु ताजिरुन, हुआ ताजरुन से इन्नहु ताजरुन क्या माना होगा? वो ताजिर है, बेशक वो ताजिर है। इन्नहु, बेशक वो एक ताजिर है। जी नूर, मैं आपका ये सवाल नहीं समझ सका, ठीक है ना, अगर कोई मिसाल है तो मुझे बताएं ताकि हम उसकी वजाहत कर दें। इन्नहु ताजरुन, बेशक वो ताजर है। और सवाल नंबर 2 है, अना तालिबुन। जी आप हल कीजिए। देखिए, इन्न दाखिल करेंगे तो अना को कैसे पढ़ेंगे, दो तरीके लिखे हुए हैं, इन्नना, इन्ना, इन्नी तालिबुन, इन्नी तालिबुन, बहुत अच्छा, इन्नी तालिबुन या इन्ननी तालिबुन, बेशक मैं तालिब हूं। और अगर कहने वाली औरत हो तो फिर क्या कहेगी? जी अगर मुजक्कर हो तो कहेगा मैं इन्नी तालिबुन, बेशक मैं तालिब हूं। अगर कहने वाली यानी मुतकल्लिम औरत हो तो क्या कहेगी? इन्नी ही होगा उसका भी, इन्नी इन्नी ही होगा, लेकिन तालिबुन में तब्दीली करेंगे, तालिबतुन होगा फिर, इन्ननी तालिबतुन, तालिबतुन, बिल्कुल।
आगे है हुम मिनल याबानी, वो जापान से हैं। इसके ऊपर इन दाखिल करें, इन्नहुम मिनल याबान, इन्नहुम मिनल याबान, बेशक वो जापान से हैं। अगली मिसाल आप हल कीजिए, अंतुम अस्कियाओ, अस्कियाओ जकियों की जमा है, और एक होता है मेहनती और एक होता है जहीन। जकियों का माना क्या होता है? जहीन, समझदार, जहीन। और मेहनती को क्या कहते हैं? मेहनती, मेहनत करने वाला, मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन। माशाल्लाह सब आता है, हैं? ठीक है, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बात कर दी आपने, अच्छा। जकियुन इसकी जमा आती है अस्किया, अंतुम अस्किया, जब इन दाखिल करेंगे तो क्या होगा? इन्नकुम अस्किया, इन्नकुम अस्किया, सही। हिया मुतज़व्विजतुन, वो औरत शादीशुदा है। इन दाखिल करें और मतलूबा तब्दीली करें। आपने किताब नहीं ली, किताब नीचे मौजूद है, तो बेहतर है कि किताब ले लें, ठीक है जी। आप हल कीजिए इसको, यहाँ जवाब आ चुके हैं। इन्नहा मुतज़व्विजत, इन्नहा मुतज़व्विजतुन, हिया पर जब इन्ना दाखिल हो होगा तो इन्नहा हो जाएगा। नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। बुजुर्गो हल कीजिए, नहनु पर जब इन्न दाखिल होता है तो क्या तब्दीली होती है, क्या पढ़ते हैं? इन्नना मुस्लिमून, जी हाँ, इन्नना मुस्लिमून, इन्ना मुस्लिमून, इन्ना मुस्लिमून, बहुत अच्छा। आगे अंतुन्ना मुज्तहिदातुन, तुम सब औरतें मेहनती हो, क्या कहेंगे इसे? इन्ना कुन्ना मुज्तहिदात, जी हाँ, इन्ना कुन्ना मुज्तहिदातुन। हुन्ना मुस्लिमातुन, वो सब औरतें मुसलमान हैं। इन्ना हुन्ना मुस्लिमातुन। अंत रजुलुन गनीयुन, तुम मालदार आदमी हो। वैसे गनी का माना क्या होता है लफ्जी तौर पर? बेनियाज, बेपरवाह, बेनियाज। जैसे हम अल्लाह के लिए इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, कि बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है, बेपरवाह है, तारीफ किया हुआ है। जी, तो मालदार को गनी क्यों कहते हैं? जी, कई उमूर से जो है वो बेपरवाह होता है, क्योंकि मालदार भी लोगों से बेनियाज होता है, बेपरवाह होता है, ठीक है ना। जो इंसान मोहताज होगा, ठीक है, तो वो लोगों के साथ यानी अपना एक मतलब रखते हुए मिलेगा, जबकि मालदार वो तो अपने माल की वजह से लोगों से बेपरवाह है। जबकि अल्लाह ताला का मामला तो ये है कि उसके पास हर चीज के खजाने हैं, तो वो जात तो सबसे बड़ी गनी जात है, उसका कोई मोहताज नहीं होता माल का, ठीक है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। जी, अल्लाह उस समद के, जी हाँ, समद के बहुत सारे मानी हैं। तो यहाँ पर अंत रजुलुन गनीयुन पर जब इन दाखिल करेंगे तो क्या होगा? इन्नका रजुलुन गनीयुन, और अंति ज़कियतुन, तुम एक औरत ज़हीन हो। इन्नके ज़कियतुन, ठीक है, इन्नके ज़कियतुन, बेशक तुम एक औरत ज़हीन हो। एक मर्तबा फिर हम कहते हैं कि आप किताब ले लीजिए, ठीक है ना, और स्क्रीन शेयर करने का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, या तो पीडीएफ में है तो वो आप पहले से अपने पास डाउनलोड करके रख लें, ताकि जब हम क्लास का आगाज करें तो ये दोबारा सवाल ना आए कि स्क्रीन शेयर कर दें। किताब हार्ड कॉपी अगर आपके पास हो तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है, और ये जो पीडीएफ ने हमें धोखा दिया है और इससे जो हमने नुकसान उठाया है वो नाकाबिले तलाफी है। हमेशा हम इस चक्रों में रहते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे, तो किताबों के साथ एक ताल्लुक, एक जो रूहानियत है उसको बरकरार रखें।
किताबें खरीदें, उनको उनको पढ़ें और उनके साथ अपना एक ताल्लुक मजबूत करें, उनके ऊपर नोट्स लगाएं, ठीक है, और जब क्लास के अंदर आए तो ये किताबें खोलकर बैठें ताकि बाकायदा आपको भी महसूस हो कि आप पढ़ रहे हैं। नंबर 7 कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, अंतुन्न मुज्तहिदातुन इन्न कुन्न मुज्तहिदातुन। आयशा अहमद वीडियो बंद कर दीजिए। उसी पर इत्तफाक करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अब तो थे ना लास्ट ईयर कोरोना से पहले ही हम साथ ही बैठते थे। अच्छा अच्छा मिस किया आपने वो एक वो सब टिकट पिक्चर हो गए ना सब सब ऑनलाइन की वजह से ही और ऑनलाइन वगैरह आईटी गेमिंग में माहिर नहीं है जैसे कि देखिए ये प्रॉब्लम्स आ रही नहीं सामने वालों को।
अब सब पास हो गए थे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर तर्जुमे का पीरियड है तो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा। अब कुरान करीम के बारे में तारीफ कर दे कोई, कुरान की तारीफ क्या है जी। शेख तहा ने उला में बड़ी तफसील से कुरान के बारे में बहुत सारी मालूमात दी थी, तो अब कुरान की जो तारीफ है वो कर दें। बड़ा वाला चाहिए होगा, जजाकल्ला खैर। आप लोगों के पास कुरान है? नहीं है, कुरान नहीं है तो दो कुरान दे दें, इस तरफ से दे दें आगे, दो कुरान को दे दें, बाकी और देख लें कोई। कहाँ रखे हुए हैं कुरान? आप ले हैं कुरान वहां से ले लें? नहीं ले आते हैं, हदीस की किताब है ये, चले यही रखे हैं ये कुरान, फिर और आ जाते हैं तो ले लेते हैं। अब ये वाला दे दे कुरान, नहीं एक ही है मेरे ख्याल। आप लोगों का निसाब क्या है ये पता है आप लोगों को? कहां से पढ़ना है? नहीं नहीं, सूरह बकरा मुकम्मल नहीं हुई थी। आपका कुरान जा चुका। हाँ एक साथ पढ़ लेंगे मसला। इस साल का जो निसाब है वो शुरू होगा सूरह इब्राहिम से सूरह मुमिनून तक, ठीक है? सूरह इब्राहिम से सूरह मुमिनून तक ये निसाब है। जी जी इंशाल्लाह। तो आपसे क्या तलब किया है? कुरान की तारीफ अगर कोई कर दे तो हम आगे बढ़े। दर्स जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो उसको अरबी में अगर आप लिख सकें तो लिख लें, मैं एक लाइन में आपको कुरान की तारीफ बता देता हूं। जी हाँ एक ही होगी इंशाल्लाह, इस पर्ची में आपका बहुत सारा हिस्सा बच जाएगा। लेकिन कलामुल्लाही, आप सब लिखें तारीफ कुरान करीम की, कलामुल्लाही غير مخلوق المنزل على محمد المنزل على محمد بلسان عربي بلسان عربي مبين مبين مبين। इस तारीफ के अंदर थोड़ा सा अगर और इजाफा कर लें तो एक फिरके का रद्द हो जाएगा, ठीक है? तो वो तारीफ में वो लफ्ज बोले अल मबदूउ बदा से, अल मबदूउ
مب دو او واو کے اوپر حمزہ المبدوء بالفاتحة المبدوء ٹھیک ہے بالفاتحة المختوم بالناس المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس جی والمختوم بالناس اگر آپ میں سے کوئی لکھ سکتا ہے تو لکھ کر شیئر کر دیں یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے المبدو ابتدا جس کی ابتدا فاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام ناس پر ہوتا ہے کس کا رد ہوا ہے رافضیوں کے اہل تشیق ہے وہ کہتے ہیں قرآن نامکمل ہے ٹھیک ہے ابتدا فاتحہ سے اور اختتام ناس پر قرآن مکمل ہے میری آواز اٹک رہی میری آواز تو صحیح ہے کوئی اٹکن نہیں ہے گلا بھی صحیح ہے الحمدللہ نیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی صحیح لکھا المبدو بالفاتحہ تھے جی صحیح ہے آگے بھی لکھ دیں المختوم ختام سے ختم سے اب صحیح ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے تو یہ ہوگی تعریف اچھا چھوٹے سے کچھ سوالات میں آپ سے کر لیتا ہوں تاکہ بنیادی معلومات ہو جائے اور آپ کے ذہنی صلاحیت بھی میرے سامنے آ جائے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں شکرن جزاک اللہ آپ نے صحیح لکھا مکمل تعریف ہو گئی ہے یہ نوٹ کر لیجئے سب آپ کی سورہ بقرہ مکمل نہیں ہوئی تو آپ کو لنک دے دیا جائے گا وہاں سے ریکارڈنگ سن لیجئے گا پورے قرآن کی وہاں تفسیر موجود ہے ٹھیک ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے اس کو کور کر لیں آپ اچھا پہلا سوال میرا یہ ہے آپ جواب دیجئے گا ٹھیک ہے دیں گے ہلکے سے سوالات ہیں بس قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کن چار ذرائع کا اختیار کرنا یہ سلف سے ثابت ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے حدیث سے صحابہ کے اقوال سے صحابہ اور تابعین کے اقوال سے اور نمبر چار عربی لغت سے ٹھیک ہے عربی لغت کے بغیر تو یعنی اس کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر عربی لغت کے ساتھ بہت سارے معنی بیان کیے ہیں تو یہ چار جی یہ چار اس کو کہتے ہیں مرجع تفسیر کے لیے مراجع تفسیر کے لیے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اچھا اب اگلا سوال میرا آپ میں سے کوئی جواب دے گا ادھر سے قرآن کریم کا جو نزول دو طرح سے ہے وہ دو طرق کون سے ہیں قرآن دو بار دو طرح سے اترا ہے مائک لینا جی ایک جو ہے وہ لوح محفوظ میں اترا تھا لوح محفوظ میں اترا یا لوح محفوظ سے اترا ایک وہاں پہ اترا پھر وہاں سے اترا نہیں نہیں ہے نا ہاں 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 یہی ہے کیا پہلے پہلے لوح محفوظ پہ اترا اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا ہاں صحیح صحیح ٹھیک ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں انزال اس کو انزال کہتے ہیں انزال ینزل انزال اللہ نے الفاظ استعمال کیے اور دوسرا ہے آسمان دنیا سے اس دنیا تک بالتدریج 23 سالوں میں اترا ہے
और इसको कहते हैं तंजील जी, तंजील, थोड़ा थोड़ा करके उतारना। क्या ये है आपसे कि कुरान करीम को जो उतरा है हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, वो दो हिस्से कौन से हैं? मक्की और मदनी। मक्की किसे कहते हैं? मक्की दौर में जो हिजरत से, हिजरत से पहले और मदनी हिजरत के बाद, बादल हिजरा। अगर कहीं लिखा हुआ ना हो मक्की और मदनी तो उसके पहचाने का तरीका क्या है? मदनी है तो उसको तीन तरीके से पहचान सकते हैं जी। मक्की सूरत में खिताब बड़ा सख्त है, वईदें, शिद्दत। क्यों? इसलिए कि वहां के लोग इनकारी थे, जो इनकारी हो तो उसके सामने अंदाज भी थोड़ा सा सख्त। दूसरा, आयतें छोटी छोटी हैं, जब कोई आपकी बात ना सुन रहा हो तो वहां लंबी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है, चंद जुमले में जो सुना सकते हैं सुना दें, तो छोटी छोटी आयात। और तीसरा फर्क है मौजू के एतबार से, मक्की सूरतों में अल्लाह ने तीन बुनियादी मौजू रखे हैं, कौन से? तौहीद, आखिरत और रिसालत। उसे आप पहचान सकते हैं मक्की और मदनी को मौजू के एतबार से, आयात के छोटे बड़े होने के एतबार से, और नरमी और सख्ती के एतबार से। क्या कुरान करीम में आयात मनसूख भी हैं? हैं। अल्लाह ने अपना कलाम भी मनसूख किया है क्या? जी हाँ। क्यों? अल्लाह फरमाता है कि जब मनसूख करते हैं तो बेहतर लेकर आते हैं, और वो बेहतरी हमारे लिए होती है। ठीक है, तौहीद, रिसालत और बादल मौत, उठाया जाना यानी कियामत का वुकू। कोई एक मिसाल दे दें जिसमें कुरान करीम के किसी हुक्म को अल्लाह ने मनसूख करार दिया हो। क्या पढ़ी जा रही है? देखिए, मनसूख बहुत तरह से है। एक है आयत भी मनसूख हो गई, तिलावत भी और हुक्म भी। एक है कि तिलावत हो रही है, हुक्म मनसूख है। आप ये बता दें। ठीक है, इसके अलावा आपने वो पढ़ा नहीं, जब शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी पर शोक कितना था? एक साल। सूरह बकरा में ही है, अल्लाह ने उसे मनसूख किया किसके साथ? चार महीने दस दिन के साथ। अब अगर किसी का शोर फौत हो जाए, वो बेवा बन जाती है, तो एक साल का हुक्म मनसूख है, आयत की तिलावत हो रही है, चार महीने दस दिन के साथ आप इसको लेकर चलेंगे। इसी तरह एक और है, वसीयत फर्ज थी, यह आयत मनसूख हो गई यूसीकुमुल्लाह के जरिए, अल्लाह ने अब खुद ही बता दिया विरासत के अहकाम क्या है। ये मगरिब की हो रही है? अच्छा, ऐसे लग रहा है, पता नहीं कौन है। हाँ, चले नमाज पढ़ने के बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नमाज पढ़कर इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं। पूरे साल में? हाँ, उसमें हिस्सा मुख्तस है,
फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे ख्याल में यानी कि 11 सूरतें बनती है, 5 में इसमें पढ़ेंगे, 6 उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उस तरफ सलाम पंखा चला दें हल्का सा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سورة إبراهيم مكية पारा नंबर 13 है, सूरह नंबर 14 है और 52 इसकी आयात हैं। और अगर हम तर्जुमे में गौर करेंगे तो ये यानी जो अल्लाह ताला की तौहीद को या रिसालत को या आखिरत को नहीं मानते उनको डराया गया इसमें। और मानने वालों को खुशखबरी सुनाई गई है, का अजाब आया उसकी खबर दी गई है। जो लोग ईमान लाए थे उनकी निजात और उनके सुरखुरु होने का तذکرہ किया गया है। तो इसी तनाजुर में इस सूरत को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये सबके साथ ये मसला हो रहा है कि साउंड जो है वो रुक रुक कर आ रहा है। ठीक है, जी सूरह इब्राहिम है 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा, इसको क्या कहते हैं? हुरूफ मुकत्तआत। इसका माना है कोई नहीं। हमारे यहां अक्सर क्या होता है, हुरूफ मुकत्तआत की तख्ती बनाकर दुकान पर लटका दी जाती है लोहे कुरानी के नाम से कि माशाल्लाह गाहक ज्यादा आएंगे। सुभान अल्लाह। मुकत्तआत अरबी में हुरूफ तहजी में से है लेकिन इसका माना आज तक किसी को नहीं पता चल सका और क्यामत तक भी नहीं। जो लोग कहते हैं ना अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील, मीम से मोहम्मद और रा से फलां, सारी वो बातें हैं जो बगैर नस के दलील के हैं। तो
तो फिर सबसे बेहतर कुरान लटका लो, लेकिन लटकाना ही तो नहीं है, कुरान लटकाने के लिए नहीं आया ना, कुरान लटके हुए को सीधा करने के लिए आया है। और इनको एक साथ जमा करके इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करना जाहिर है ये किसी सोच के तहत है, आपकी सोच नहीं है, लेकिन जिनकी है उनको तो दावत दे रहे हैं ना आप। किताबन, ये किताब है, किताबन, आप दुरुस्तुल लुगत पढ़ते हैं माशाल्लाह, पहला हिस्सा पढ़ा है आप लोगों ने, तो ये बताएं किताबन कौन सा हिस्सा में आई है, इसमें नकिरा है, ठीक है नकिरा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं इसम की तीन किस्में हैं, मुश्तक, जामेत, मजदर, ये कौन सा है? मजदर है, जिसका माना क्या होता है? लिखना। लेकिन कहते हैं ठीक है, किताब का मतलब होता है लिखना, लेकिन लिखी हुई चीज को भी क्या कहते हैं? किताब। अब यहां एक सवाल है आपके जहन में आना चाहिए, कुरान इस तरह लिखा हुआ उतरे तो फिर अल्लाह किताब कह रहा है इसको, अभी तो कुरान पूरा उतरा भी नहीं है। किताब क्यों कहा, हालांकि किताबी शक्ल में तो उतरा ही नहीं है, क्या जवाब है? लौहे महफूज में तो लिखा हुआ था ना, एक बात। दूसरा, अरबी की एक खूबसूरती है, इसमें कुछ एतबारात होते हैं, मकान का एतबार, मा यकून का एतबार, यानी एक चीज बाद में एक शक्ल इख्तियार करेगी, पहले ही उसका तस्करा कर दिया जाता है। और कभी यह भी होता है कि नाम लेते वक्त उसके माजी का एतबार किया जाता है, ठीक है, इसकी मैं दोनों मिसालें देता हूं। जैसे यहां हादा, ये किताब है, तो किताब बनना था, इसने किताबी शक्ल में आना था, तो इसलिए अल्लाह ने पहले से उसकी खबर दी है। दूसरा ये है, जैसे सूरह निसा के शुरू में अल्लाह फरमाता है कि जब यतीम रुश्द को पहुंच जाए तो उसको तुम माल वापस कर दो, ठीक है, यहां यतीम का है अल्लाह ने, तो यतीम को तो माल वापस नहीं करना, यतीम को कौन होता है? जिसका वाद हो चुका हो बुलूगत से पहले। तो ये जो कहर, तो ये दोनों उसलूब कुरान में मौजूद है, माजी का एतबार करते हुए जिक्र कर देना या जिक्र करते हुए उसके मुस्तकबिल की कैफियत का जिक्र कर देना। तो किताब उन अंजल ना हो, इस किताब को हमने नाजिल किया है, आगे ना अंजल ना हो, अच्छा इस अंजला से पता चला कि इस किताब से मुराद जो लौहे महफूज में है, क्योंकि वहां पूरी पूरा कुरान वहां से मौजूद था, और वहां से अल्लाह फरमाता है हमने उतारा है, वहां से कहां कहां उतारा है? आसमान दुनिया पर, आसमान दुनिया पर एक जगह है जिसको क्या कहते हैं? बैतुल इज्जा, बैतुल इज्जा, इलैका, इस किताब को हमने उतारा है इलैका, आपकी तरफ, कौन है? मोहम्मद सल्लम। आगे वजह बताई जा रही है, मकसद, लितुखरिजा, ताकि आप निकालें। अच्छा एक होता है खराजा और एक होता है अखराजा, क्या फर्क है दोनों में? खराजा का मतलब निकलना और अखराजा का माना निकालना, एक है सुलासी मुजर्रद, दूसरा सुलासी मजीद थी। तो देखें माता एक ही है लेकिन बाप के बदलने से फर्क आ जाता है, माने में तब्दीली आ जाती है, इसको कहते हैं, कोई नाम बता दे, लाजिम और मुतादी कहते हैं, जिसमें बात फाइल पर पूरी हो तो उसको लाजिम कहते हैं, जिसमें मफूल की जरूरत हो तो उसको मुतादी कहते हैं। हाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं आपको, वैसे तो तफसीर है लेकिन थोड़ा सा ग्रामर का टच देंगे, ठीक है, थोड़ा मसाला हो गया ना तो अच्छा जैका अच्छा हो जाएगा। लितुखरिजा, ताकि आप निकालें,
इसको लामे कह कहते हैं, लितुखरिजा में जो लाम है इसको लामे कह कहते हैं, जो किसी मकसद के लिए किसी गर्ज के लिए लाया जाता है। कह जिस तरह हम की लिखते हैं ना तो उसके ऊपर हमजा डाल दें, जबर डाल दें, कई हो जाएगा काफ के ऊपर, काफ पर जबर डाल दें, ताकि आप निकालें लोगों को मेहनत जुलुमात, कहां से? अंधेरों से, इला नूर। कुरान की ये भी एक फसाहत है, कुरान ने अल्फाज हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन कुरान की फसाहत यह है कि या इस्तियारा के तौर पर कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जुलुमात और नूर से मुराद, जुलुमात से क्या मुराद है? ये अंधेरा, ये वाला नहीं, इस अंधेरे और इस रोशनी की कोई हैसियत नहीं है। अंधेरा है या रोशनी है जिसे हम देख रहे हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। यहां जुलुमात से तीन चीजें मुराद हैं। नंबर एक कुफर, नंबर दो बिदात, और नंबर तीन शक। किसमें? ये गुमराही की किस्में है ना, ये जुलुमात से मुराद जलालत है, और ये जलालत की तीन किस्में आपके सामने रखी हैं, कुफर जिसमें शिर्क दाखिल है, बिदात, और नंबर तीन शक। तो इसके मुकाबले में नूर है, नूर के इसके मुकाबले में नूर है, तो कौन सी किस्में होगी? कुफर के मुकाबले में नूर क्या है? ईमान। बिदत के मुकाबले में सुन्नत, शक के मुकाबले में यकीन। तो कुरान इसलिए उतारा आपकी तरफ ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ, तीनों माने करेंगे आप, कुफर से ईमान की तरफ, बिदत से सुन्नत की तरफ, शक से यकीन की तरफ लेकर आए। इसको यानी अगर फसाद का जुमला बोलूं तो इसको यूं कहेंगे, जुलुमात मुस्तार है जलालत, ठीक है। जुलुमात को लिया गया है किसके लिए? गुमराही के लिए, और नूर को लिया गया किसके लिए? ईमान के लिए। ये मौजू यानी ये अल्फाज कुरान में अल्लाह ने कई जगह इस्तेमाल किए, अल्लाह इला नूर। अगर आपने लाइटें लगाकर बहुत ज्यादा रोशनी कर ली है तो इस रोशनी की अल्लाह के यहां कोई हैसियत नहीं है। हाँ, अल्लाह के यहां उस रोशनी की हैसियत है जो ईमान की सूरत में आपके दिल में घर कर जाए, शुरक शिरक और कुफर बिदात से आप महफूज हो। यह है वो रोशनी जिससे इंसान को कल क्यामत के दिन पुले सिरात क्रॉस करते वक्त जिस रोशनी की जरूरत होगी वो ये है। अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में कहा है, जब पुले सिरात क्रॉस करने की बारी आएगी तो मुनाफिकीन अहले ईमान के पीछे जाएंगे और कहेंगे कि हमें कुछ रोशनी दे दो, तो अहले ईमान कहेंगे पीछे है रोशनी, और पीछे देंगे कुछ भी नहीं होगा, जहन्नम ही जहन्नम होगी। तो कुछ चीजें होती हैं जाहिरी, हमारी ये बसारत, हमारी ये समात, हमारा ये दिल। एक है सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की हद तक। तो अल्लाह ने क्या कहा है? बहरा गूंगा, ठीक है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल है तो सही समझते नहीं है, तो अंधा बहरा क्यों कहा? लगे देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई वाक्यतन बहरा गूंगा अंधा है लेकिन वो दीन पर अमल कर रहा है तो अल्लाह के नजदीक ना वो बहरा है, ना वो गूंगा है, ना वो अंधा है। जाहिरी चीजों का एहतमाम। दूसरा मोहम्मद सल्लम का मिशन, वो क्या है? इंसानियत को गुमराही से निकालकर ईमान की तरफ लाना। तो अगर आपको ईमान चाहिए तो या तो मोहम्मद सल्लम से मिलेगा या कुरान से मिलेगा, इसके अलावा बाकी दूसरी रोशनी तो मिल सकती है जो चाइना से लेकर आए आप, जैसे ईद मिलादुन्नबी पर मिलाने के लिए चाइना से रोशनी वगैरह आपको मिलती है, तो ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने आपको
ये मौका दिया, बगैर ना अगर ईमान की रोशनी चाहिए तो यहां से मिलेगी वो। यहां अगला देखें तलफ्फुज़ जो है ना, बिइज़्नि रब्बिहिम, क्या माना, अपने रब के हुक्म से। सुभान अल्लाह, यह एक अकीदे की बात कर हुई है, क्या कौन समझाएगा क्या अकीदे की बात कर हुई है? अगर किसी को मोहम्मद सल्लम की रहनुमाई के बाद हिदायत मिल जाए तो इसमें मोहम्मद का कमाल नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिइज़्नि रब्बिहिम, ये अल्लाह के हुक्म से हिदायत मिली है, क्यों? क्योंकि अल्लाह का खुद फरमान है, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, जिसे आप हिदायत देना चाहें नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत तो अल्लाह देता है। मैं किसी भी खास तफसीर को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, मुख्तलिफ तफसीर का एक थोड़ा सा मजमुआ होता है जिसमें अरबी ग्रामर भी है, मैंने तफसीर कुर्तुबी देखी है, फतुल कदीर देखी है, तफसीर जलालैन देखी है, इब्न कसीर देखी है, तो उसके बाद फिर मेरे सामने कुरान खुला हुआ है और मैं इसकी रोशनी में आपको कुछ मालूम दे रहा हूं। जी अन्नास की तरफ हम जमीर लौट रही है, लोगों के रब के हुक्म से नहीं, हम जमीर का मर्जा अन्नास है, यानी लोगों को अगर हिदायत मिलती है तो उनके रब के हुक्म से मिलती है। अच्छा, कुरान करीम में एक आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है, इन्नक लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, ए पैगंबर आप सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनमाई करते हैं, तो यहां अल्लाह फरमा रहा है लातहदी और वहां अल्लाह फरमा रहा है इन्नक लतहदी, तो क्या तारुज है? है, और एक राह दिखाना, तो नबी राह दिखाते हैं, राह पर चलाते नहीं है, राह पर चलाना अल्लाह की तौफीक से होता है, अल्लाह के हुक्म से। जी बिल्कुल, हिदायत देने का अगर इख्तियार होता तो लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को दे देते, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को दे देते, मोहम्मद सल्लम अपने चचा को दे देते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को दे देते। तो देखें कुरान में अल्लाह ने कुछ खवातीन का जिक्र किया है, वो खवातीन जिनका शोहर गैर मुस्लिम है, ठीक है, और वो मर्द जिनका जिनकी खवातीन मुसलमान है, तो इस तरह का तराजुर जिक्र करके अल्लाह ने अपनी मर्जी और मशियत का जिक्र किया, जिसे चाहे हिदायत दे दूं, जिसे चाहे ना दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह किसी की मोहब्बत में मजबूर नहीं है, ये कहा जाता है, अल्लाह तो मजबूर था, नाउदु बिल्ला, अल्लाह किसी की मोहब्बत में मजबूर नहीं है। इला सिरातिल अजीजिल हमीद, किसके रास्ते की तरफ? अजीज, जबरदस्त, गालिब, हमीद का इस मफूल क्या हुआ या तारीफ के लायक, अजीज और हमीद के रा अपने रब के रास्ते की तरफ। अल्लाह ही क्यों, अल्लाह क्यों नहीं? जी अल अजीज अल हमीद से ये बदल है, अल अजीज अल हमीद से ये बदल है, जो इराब उसका होगा वही इराब इसका होगा। यानी ये बताया जा रहा है अल अजीज अल हमीद से कौन मुराद है, तो कहा अल्लाह ही, वो रास्ता किसका जो अजीज हमीद है, यानी अल्लाह का। अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? 99 जो हमें बताए गए हैं, इसमें लफ्ज अल्लाह का क्या मकाम है? इन नामों में लफ्ज अल्लाह का क्या मकाम है? ये अल्लाह का जाती नाम है, ये अल्लाह का जाती नाम है, इसके अलावा बाकी सारे सिफाती नाम है।
अल्लदी ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? इसे मौसूल कहते हैं। ये मौसूल है और लफ्ज़ अल्लाह की तरफ इसकी सिफत बनेगा। ये अल्लदी वो जात लहू माफिस समावाती के उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है, व माफिल अर्थ और जो कुछ जमीन में है। जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीन में है उसी का है। बातें तो बहुत हैं, मैं एक दिन थोड़ा सा आपको एक दो दिन में थोड़ा सा आपको इस तरह की खोल कर कुछ बातें करें, फिर बुनियादी तफसीर पर आ जाएंगे क्योंकि हमने कवर भी करना है। अच्छा, माँ के अंदर उमूम है जो कुछ आसमानों में है। आसमान तो जमा इस्तेमाल किया, जमीनें कितनी है? एक है, सात है। तो यहां माफिल अर्द अल्लाह ने कहा, अर्जीन नहीं कहा। भाई आसमान अगर सात है तो जमीनें भी सात है ना, तो वल अर्दीन क्यों नहीं कहा अल्लाह ने? ये आप तो मैंने बताया ना कि हम यहीं से शुरू करेंगे। ये जो वफाक का उसलूब है या उनका निसाब है उसी को फॉलो करते चल रहे हैं। इसलिए अर्ज में अलिफ लाम जिंस का है, अलम जमीन मुराद है यहां पर। कमाल अब देखते हैं, कमाल इस जुमले में एक कमाल है। मखलूक है, मखलूक है उसका मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह। तो इसमें बसने वाली सब की सब क्या हो गई? अल्लाह की मिल्कियत, मालिक अल्लाह, बाकी सब मिल्कियत, यानी हम गुलाम और वो मालिक। ये गुलाम को किसने जुर्रत दी है कि वो किसी गुलाम को उसका शरीक बना दे? हम सब मिल्कियत है ना, उसकी उसकी मिल्कियत है, ममलूक है, उसके गुलाम है। एक गुलाम उठकर किसी दूसरे गुलाम को उसकी सिफात में या उसकी जात में शरीक बना दे, ये कितनी जुर्रत है। और अल्लाह ने फिर मिसाल देकर दूसरी जगह फिर फरमाया है, अगर गुलाम तुम्हारे किसी माल में शरीक हो जाए तुम बर्दाश्त करोगे इसे? बिल्कुल नहीं। हम तो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ किसी को देख लें बर्दाश्त नहीं होता। घर में काम करने वाली मौसी अगर वो आपके किचन में खाना लेकर अपनी मर्जी से आपके डाइनिंग पर बैठकर खा ले तो आप क्या बोलते? किसने कहा तुम्हें, किसने कहा तुमने तुम्हें कि तुम अपनी मर्जी से खाना लेकर खाओ? इतना भी बर्दाश्त नहीं करते हम। ऑफिस में आपकी कुर्सी पर आपका नौकर आकर बैठ जाए बर्दाश्त करेंगे? लाल पीला हो जाएगा, फौरन फारिग करो उसको। और हम सब अल्लाह के नौकर हैं, उसके गुलाम है। और ये गुलाम उठकर दूसरे गुलाम को अल्लाह का शरीक बना दे, अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा जब हम नहीं कर रहे? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि करीब है कि आसमान फट जाए। तकाद के लिए औलाद की बात करते हो, वैलुन हलाकत है, मिन अज़ाबिन शदीद, शदीद अज़ाब, अज़ाबिन ये अज़ाब की सिफ़त है, शदीद किस्म का अज़ाब है कुफार के लिए, शदीद किस्म का अज़ाब है कुफार के लिए। कुफार काफिर, काफिर किसको कहते हैं? दो माने, छुपाने वाला और इनकार करने वाला। ये इनकार किसका कर रहा है? अल्लाह का। छुपा क्या रहा है? हकीकत का इजहार कर रहा है वो। अभी पीरियड है, चले बेटा, टाइम हो गया फिर इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। चलिए इंशाल्लाह देखते हैं, नेट वीक हो रहा है तो उसके मामले को इंशाल्लाह कुछ करते हैं बेहतर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु।
Thank you.
चैन एंड क्या वो दे दीजिए السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين بہت بہت معذرت آج کچھ ٹیکنیکل ایشوز آپ لوگوں کی کلاس میں زیادہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ کلاسز کیسی جا رہی ہیں آپ لوگوں کی अभी इब्तिदा है चल हमारे यहाँ कश्ती ना शुरू होने में टाइम लगाती है फिर जब सही जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक सही चल जजाक आपके असातिज़े बोर्ड यूज कर रहे हैं बाकी जी डिस्टेंस कम है वो एक स्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पे कैमरा दूसरा कर लेंगे लेकिन सही चल इंशाल्लाह इसका कुछ अरेंजमेंट करते हैं करने ही पर इशू की वजह से नहीं कर रहे जी कैमरा इंशाल्लाह चेंज करवा देंगे और बोर्ड का कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि बोर्ड किसी तरह अरेंज हो जाए कि आप लोगों को सब जो इंशाल्लाह वाज़े दिखने लगे चलो इंशाल्लाह ऐसा इस तरह की चीज़ें भी हो जाएंगी अल्लाह आसान करे। अच्छा जी हमारा मौजू इंशाल्लाह इस साल हमारे पास दो मौजूआत हैं उसूल के एक का ताल्लुक उसूल हदीस से है और दूसरे का ताल्लुक उसूल फिकह से ठीक है पिछले कुछ सालों में हम ये करा रहे थे कि हम एक साथ दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करते थे और दोनों पैरेलल लेके चलते थे तो उसमें एक इशू ये होता है कि चूंकि हमारे पास क्लासेस वैसे कम होती हैं तो एक एक सब्जेक्ट एक एक पीरियड मिलता था हर सब्जेक्ट को तो उसमें यह होता था कि एक हफ्ते बाद ही उसकी बारी वापस आती थी तो उसमें अक्सर चीज़ें जो है वो जहन से निकल जाती थी तो इस बार फिर ये क्या है कि हाफ ईयर जो है फर्स्ट सेमेस्टर जो है हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और फिर सेकंड सेमेस्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले हम इंशाल्लाह उसूल हदीस इंशाल्लाह अच्छा इन दोनों मजामीन के लिए कोई किताब मुकर्रर नहीं है ठीक है यही टॉपिक्स उसूल हदीस और उसूल फिकह का आप लोग इंशाल्लाह और चौथे साल में उसूल हदीस भी आएगा वहाँ पे किताब भी मुकर्रर होगी और तमाम टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में सब चीज़ों के साथ जो है वहाँ पे कवर किए जाएंगे इस साल में जो इन मौजूआत का मकसद है वो एक तारुफ है कि आपके जहन में कुछ आइडिया कि इस टॉपिक का कंसर्न किस चीज़ से है कुछ बुनियादी चीज़ें वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाए ठीक है और बुक ना रखने की वजह एक ये मैं इंशाल्लाह आपको बुक्स बता दूंगा अगर आप चाहेंगे ना मेरा तरीका ये है ना मेरी अप्रोच ये रहेगी इंशाल्लाह मैं आपको कोई तारीफात वगैरह नहीं बताऊंगा ठीक है कि ये वर्ड है इसके ये मानी होते हैं और ये मानी ये किताबों में लिखा हुआ है आप भी माशाल्लाह उर्दू इसमें ले लेंगे किताब आप पढ़ सकते हैं अरबी में हम किताब फॉलो इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर कवर करने इंशाल्लाह तो वो कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे उसूल हदीस में जो एक हमें थोड़ा सा चैलेंज आएगा वो ये कि उसूल हदीस में इस्तलाहात बहुत हैं टर्मिनोलॉजीज बहुत हैं तो हम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे आपको टर्मिनोलॉजीज का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होना चाहिए तारीफ से कोई मसला नहीं यानी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन प्लीज उसको आप फोकस नहीं बनाइएगा वो जो डेफिनेशन होंगी वो चीजें आप आगे भी आ जाएंगी आप किताबों में वैसे ही पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कोई ऐसी बात नहीं है और याद कराना कुछ भी मकसूद नहीं है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या वजह है क्या क्या चीजें हैं इन दोनों में फर्क क्या है वो चीज क्लियर हो आप जिस तरह आप लिखना चाहें आप समझना चाहें उसको कर दीजिएगा
जितने आप सवालात करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना आप सख्त मेरे लिए बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, कि इंशाल्लाह हम फिर जो है कोशिश करके उस सब्जेक्ट को उतने अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आज चूंकि मैं लिख भी नहीं पाऊंगा और कैमरे का भी थोड़ा सा इशू है, तो आज इस टॉपिक की या इस सब्जेक्ट का जो है हम कुछ बुनियादी चीज़ें कवर करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक है खासकर उसूल हदीस का, इसकी जो बुनियाद वो आप समझ लें जनरल रैशनल पे, ठीक है। कि कुछ अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कराची में, कुछ होता है मिसाल के तौर पे लाहौर में, ठीक है, लाहौर में कोई वाकया होता है, आवाज क्लियर नहीं है, लाहौर कोई वाक्य होता है, आपको कोई जरिया इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, आपको कोई उस कम्युनिकेशन का कोई मेथड होगा, कोई इस्तेमाल। अब आवाज आ रही है या अभी बिल्कुल नहीं आ रही? वॉल्यूम ब्रेक सर प्लीज नहीं आ रही हम तक सर। The internet bars are red, so you're right. So let's not shoot. आप एक फेवर करें, इसकी आवाज जरा चेक करें कैसी आ रही है, आपको क्लियर आ रही है? बस यहीं पे बैठे, यहीं पे बैठे। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं और कोई वाकया होता है और आपको उसकी कोई खबर देगा तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि कुछ हुआ है किसी और शहर में। अच्छा, यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पे तो आवाज क्लियर आ रही है। लाहौर में कुछ हुआ है तो कोई शख्स आपको बताएगा, कोई जरिया इस्तेमाल करके बताएगा। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या जो भी कुछ कहेगा आप उसकी बात पे यकीन कर लेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। आपका कोई मेयार होगा, कोई कानून होंगे, कुछ कायदे होंगे जिसकी बुनियाद पे आप उसकी बात को कबूल करेंगे या फिर या तो वो अपने से खुद अखज कर रहा होता है, सामने आप मुशाहिदा कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। ये फिर अभी तो इशू रिजॉल्व नहीं हो सकेगा, ठीक है। अब मैं कोशिश करके अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रख लूंगा, माजरत के साथ, ये इशू आज रिजॉल्व नहीं हो सकेगा क्योंकि अगर इंटरनेट का इशू आ रहा है तो वो पीछे से आ रहा होगा, इसको फिर हम कल ही देख सकेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, तो हो सकता है उससे आवाज़ जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर आ जाए ताकि आपकी बैंडविड्थ कम हो। अच्छा, तो किसी यानी हमें जो कुछ भी पता चलता है या तो हम उसका मुशाहिदा खुद करते हैं, हम उसको एक्सपीरियंस खुद करते हैं, या फिर किसी और ने एक्सपीरियंस किया होता है और वो हम तक कम्युनिकेट करता है, ठीक है, वो हमें बताता है कि ऐसा मामला हुआ और ऐसा मामला हुआ। फिर उसमें आपने कहा कि हम हर किसी की हर बात को कबूल नहीं कर लेते, बल्कि हम कुछ मेयार होते हैं हमारे जिसकी बुनियाद पे हम या तो किसी की बात को कबूल करते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। यही मामला जो है इस सब्जेक्ट का जो है वो बेसिक फोकस है, उसूलुल हदीस, या इस सब्जेक्ट के और भी मुख्तलिफ नाम है, मुस्तलाह हदीस भी कहलाया जाता है, इल्म हदीस भी कहलाया जाता है, इल्म उसूल हदीस भी कहलाया जाता है।
तो सारी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है, ठीक है, वो उस वक्त के जो लोग थे, जो सहाबा थे या और उस वक्त के जो लोग थे, वो तो अपना एक्सपीरियंस खुद करते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे होते थे, उनकी बातें अपनी अपने कानों से सुन रहे होते थे, लेकिन बाद में आने वालों के पास ये एक्सेस नहीं रहा, तो उन तक ये जो खबरें मुंतकिल करनी थी उसका कुछ ना कुछ जरिया हुआ होगा, आगे वालों तक ये बात कि भाई कौन सी बात एक्सेप्ट की जानी चाहिए, कौन सी बात नहीं एक्सेप्ट की जानी चाहिए, वक्त के साथ जो है इसके कुछ कवानीन जो है कि भाई क्या बुनियाद रखी जाएगी। वक्त के साथ ये क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में सहाबा थे, उन पे या उनको जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक मोहर थी कि भाई ये बिल्कुल रिलायबल सोर्सेज हैं, इनकी बात आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर अहले सुन्नत का इजमा है सहाबा पे। बाद में कहीं ना कहीं, जिस तरह हर चीज के साथ होता है, कहीं ना कहीं चीजों का नेगेटिव इस्तेमाल होना शुरू हुआ। किस तरह नेगेटिव इस्तेमाल होना शुरू हुआ कि कोई शख्स जब ये बात कहता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त का जमाना कैसा था कि सारे काम जो है वो अब क्या बात आ रही है, जिस तरह आजकल होता है कि भाई साइंस ने ये कहा है तो वो सारे कान इधर आ जाते हैं, तो इस तरह उस वक्त होता था। तो जाहिर सी बात है शयातीन तो हर वक्त में रहे हैं, तो उस वक्त भी इस चीज का मिसयूज शुरू हो गया था कि मिसाल के एक एक एग्जाम्पल आती है कि एक बैंगन बेचने वाला था। अब अरब में बैंगन जो है वो कोई आम गजा नहीं थी, तो उसकी मार्केट जो है वो ज्यादा नहीं थी, तो उसने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माशाल्लाह बैंगन में शिफा है जो भी मामला, तो फिर क्या हुआ, वो बिजनेस चलने लगा। तो इस तरह के और भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, कहीं पे दुनियावी मफाद की खातिर, कहीं पे अपने अकायद को साबित करने के लिए लोगों ने इस तरह की अहादीस जो है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बातें मनसूब करना शुरू की जो कि फिर प्रॉब्लमेटिक पता चला। तो जब ये इशू बढ़ने लगा तो उलमा ने रियलाइज किया कि हमें तो पता है कि क्या रूल्स हैं या किस बुनियाद पे हम लेते हैं, लेकिन जरूरत है कि हम आगे वालों को भी या दूसरे अपने तलबा को भी बताएं कि वो क्या उसूल हैं, वो क्या बुनियादें हैं जिसकी बुनियाद पे या जिसकी वजह से, जिसके मेयार पे हम चीजों को कबूल करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर ये जो है सारा फन जो है वो वजूद में आया। फिर उसूल अल हदीस, जो वर्ड उसूल है, इसकी आमतौर पर पहले एक्सप्लेनेशन की जाती है कि उसूल से क्या मुराद होती है, उसूल से क्या मुराद होती है, असल, असल की जमा उसूल, असल क्या होती है, किसे, नहीं अगर हम सिर्फ असल को देखें, असल, असल का वर्ड का क्या मायना होता है, आपने क्या कहा, रूट, ठीक है, असल यानी जिसको हम कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा रूट दरख्त की एक असल होती है, फैमिली की एक असल होती है कि उसका ओरिजिन कहाँ से, उसकी रूट कहाँ है, जिसके ऊपर, एक घर की भी एक असल होती है कि जिसके ऊपर बाकी चीज खड़ी होती है, ठीक है, बुनियाद आप कह लें कि ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर आगे बिल्डिंग जो है वो खड़ी होगी, ठीक है। फिर इस असल से क्या निकलती है, उनको कहते हैं फरा, उसकी ब्रांचेस निकलती है, उसकी शाखें निकलती हैं, ठीक है। जैसे कुरान की वो कौन सी आयत है, सूरह इब्राहिम में दरख्त के मुताबिक, मसलु कलिमतिन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा, कि असल जो है वो उसकी साबित है। तो उसूल हदीस, जब कोई भी इस तरह के टॉपिक्स आते हैं उसूल हदीस, तो उसमें मुराद क्या होती है कि ये एक बुनियादी टॉपिक है जिसके ऊपर आगे एक और टॉपिक जो है वो स्टैंड करेगा इन रूल्स को यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, उसूल हदीस में आमतौर पर जब ये टॉपिक शुरू होता है तो एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है, और वो है कौन सा, कि अहादीस की अहमियत क्या है, या अहादीस की अहमियत के अलावा हुज्जियत हदीस जो है, ठीक है, कि हदीस हुज्जत है, किस तरह है, क्या नहीं है, वो कवर करना किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है, वो कवर करना जिम्मेदारी है आप लोगों की। हम नेक्स्ट क्लास जो है उसको शुरू करेंगे हुज्जियत हदीस से, हम उसकी ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे। आपने सिर्फ जो आपको याद हो या अगर मुताला कर सके कुछ, आपने पता करना है कि हदीस की हुज्जियत यानी लीगैलिटी ऑफ हदीस, के हदीस एक सोर्स ऑफ लॉ है इस्लाम में,
या शरीयत का एक माखज है जहां से शरीयत को लिया जाएगा, इसकी इसके इसकी इसका प्रूफ क्या है, इसका एविडेंस क्या है, क्यों अहादीस को लिया जाए। कुरान का तो वाज़े है, कुरान अल्लाह ताला की तरफ से कलामुल्लाह है, तो ये तो बन गया अथॉरिटी। लेकिन हदीस हुज्जत है या हदीस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ये जो टॉपिक है ये आप खुद कवर करेंगे इंशाल्लाह। हम सिर्फ इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे अपने टॉपिक पे चले जाएंगे। अच्छा, बुनियाद तो आपने इस टॉपिक की कवर कर ली कि इसमें करना क्या है, कि जो बात आ रही है उसको हमने चेक करना है कि क्या वो ऐसे रिलायबल मेथड से आ रही है या नहीं आ रही। अब आप मुझे बताएं कि वो रिलायबल मेथड क्या होता है, जैसे आप क्या चेक करेंगे। अब हम थोड़ा सा पिछले जमाने को इमेजिन करें कि जब हमें जो है ये इंटरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिमिटेड थे, तो उस वक्त अगर एक शहर में कोई मामला हो रहा हो तो दूसरे शहर वाले को किस तरह पता चलता था, किस तरह पता चलता था पहले शहर से? या तो वो शख्स जिसने देखा होगा वो खुद जाएगा दूसरे शहर तक दूसरे शख्स को बताने के लिए, या फिर जैसे इन्होंने कहा कि वो कोई मैसेंजर भेजेगा दूसरे शख्स के पास। जिसको मैसेज रिसीव हो रहा है वो किस तरह डिसाइड करेगा कि मुझे इस शख्स की बात पे ट्रस्ट करना है या नहीं? लेटर भी भेजा जाता था, माजरा, बिल्कुल आपने सही कहा कि लेटर भी भेजा जा सकता था कि कोई किसी तरह लिख के जिया जाए खातों किताबत जी। ठीक है, एक चीज हो गई कि जो कौन किसके कैरेक्टर को जो मैसेज लेके आया है, इसको अगर हम रावी कह रहे हैं, जो मैसेज लेके आया है उसके कैरेक्टर को चेक करें। कैरेक्टर में क्या चीज चेक की जाती है? सिफा जी, जो उस मजमुए को खोल रहे हैं ना। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो, आपने कहा कि सच कहता है नहीं कहता, और उन्होंने कहा कि वो झूठ तो नहीं बोलता। ठीक है, कि वो सच बोलता है या नहीं बोलता, झूठ तो नहीं बोलता कहीं। ईमान, ईमान हो गया, तकवा हो गया, उसका हाफजा। ठीक है, जब्त क्या होता है? ठीक है, हाफजे और जब्त में क्या फर्क होगा? ठीक है, ठीक है, वैसे तकरीबन सेम है। अगर हम इंसान की बात करें तो हाफजा और जब्त जो है वो एक ही मायने में होगा, लेकिन जैसे अगर आपने लेटर में कहा तो लेटर में जब्त जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मायने में चला जाएगा। कि अगर मिसाल के तौर पे वो कोई किताबत है तो उस किताबत का जब्त थोड़ा डिफरेंट उसमें आएगा कि किताब को सही तरीके से महफूज रखा या नहीं रखा। ऐसा तो नहीं कि किताब जो है वो किसी मिसाल के तौर पर ऐसी जगह पर चली गई जहाँ पे पानी बह रहा था तो उसमें इंक जो है वो स्प्रेड हो गई, या उसने ख्याल नहीं रखा, कोई और शख्स आया और उसने उसमें कुछ चेंजेस कर दी, जैसे वसीयतों में होता है कि वो चेंज कर दिया भाई। तो जब्त जो है, ठीक है, बात सही है कि उस मैसेज को सेव रखने के लिए जो रिक्वायर्ड तरीके थे या रिक्वायर्ड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थी वो इस्तेमाल की या नहीं की। सही, ये हो गया कैरेक्टर, जब्त हो गया सच्चाई, ईमान, तकवा और जिम्मेदारी किस तरह। सही, कि वो उस मैसेज को संभाल के उसको बचाने के लिए जो भी जरूरियात थी वो पूरी की या नहीं की। ठीक है, उस्ताद के साथ उसकी वाबस्तगी, उस्ताद के साथ वाबस्तगी का क्या माना होगा? उसका शेख से ताल्लुक। कोई एग्जाम्पल दें कि उस्ताद से ताल्लुक की वजह से क्या फर्क पड़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चले, ये बात तो वाज़े है। कोई ऐसी बात बताएं कि स्टूडेंट का उस्ताद से रिलेशनशिप, कोई ऐसा तरीका बताएं जो अपेरेंट या जाहिर ना हो, कोई क्लियर चीज। यानी एक तो आपने बात कर दी ना कि मिसाल के तौर पे उस्ताद सीखा है वगैरह, उस्ताद के कैरेक्टर को जाने या उस्ताद के बारे में उस्ताद से क्लोज ताल्लुक होना, उसमें क्या ऐसी चीज आ सकती है जो कि हो सकता है लफ्जन बयान ना हो रही हो सकता है। यानी कुछ चीजें होती हैं, कुछ मामलात होते हैं जो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अपने उस्तादों में से यहाँ तक किस उस्ताद को जानते हैं, किस उस्ताद को जानते हैं, कोई नाम थे, किसी भी एक का नाम लेते हैं जिनको लगता है कि आप जानते हैं थोड़ा क्लोजली, इतना क्या उनके बारे में कोई राय दे सकते हो? शेख उबैद, ठीक है जी।
शेख उबैद, ऑनलाइन भी शेख उबैद का ही नाम आया तो शेख उबैद को ही नहीं, शेख उबैद अब आ गया। अच्छा, कोई शख्स आपको आके कहे कि यार आप शेख उबैद से पढ़ते हैं ना, तो मेरे ख्याल में आपको ख्याल रखना चाहिए, कल शेख उबैद ने क्लास में एक लड़के की जो है ना सही धुलाई कर दी है, गालियां भी दी हैं वगैरह और सही, तो आपको क्या महसूस होगा? बुरा लगेगा, बुरा लगने से जी यकीन नहीं आएगा। क्यों यकीन नहीं आएगा? क्योंकि आपका उनके साथ जो ताल्लुक रहा है, आपने उनको कभी इस तरह नहीं देखा होगा, तो आपकी जो आपका जो रिलेशन है ऑब्जर्वेशन हो सकती है। कुछ मामलात ऐसे होंगे जो कि आपके उस ताल्लुक की वजह से आप मान ही नहीं सकेंगे कि शेख उबैद जो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता 100% के ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एक फैक्टर है जो कि प्ले कर सकता है। किस तरह प्ले कर सकता है? मिसाल के तौर पे जब आप एक शख्स के साथ रहते हैं, आपको उसके कुछ कलिमात का माना पता चल जाता है। किस तरह? कोई शख्स, कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है वो कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम, लेकिन उनकी मुराद कसम नहीं होती। इसी तरह कुछ लोग होते हैं उनके कुछ खास फ्रेजेज होते हैं, कुछ खास उनके इस्तलाहात कलिमात होते हैं, तकिया कलाम होते हैं, वो जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी मुराद वो नहीं होती। ठीक है, या फिर वो किनाया आपने वर्ड अगर सुनाओ के कहते कुछ है, मुराद कुछ होती है, ये चीजें सामने जाहिर नहीं होती। ठीक है, किस तरह पता चलता है? जैसे वालदैन के साथ होता है, औलाद जो है वो अम्मी को बार बार कह रहे हैं, अम्मी ऐसा कर रहा है, कर लो, अम्मी कहती है नहीं करो नहीं करो नहीं करो, फिर अम्मी कहती है ऐसा जाओ कर लो, तो इसका क्या मतलब है? अम्मी ने इजाजत दी है? नहीं, इसका मतलब क्या है? नाराज हो गई अम्मी। अब जो इजाजत दी भी है जबानी तौर पर, यह इजाजत नहीं है, ये क्या है? नाराजगी का इजहार है। ये बात कब पता चलेगी? जब कॉन्टेक्स्ट और ये कनेक्शन क्लियर होगा। क्या यही बात किसी दावत में जाके इस तरह कही जा सकेगी? वहां पे हो सकता है अम्मी उस तरीके से ना कहें, वहां पे हो सकता है अम्मी जबानी तौर पर कहते हैं हाँ बेटा खाओ, लेकिन इशारों में कह रही हो, हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, किस तरह पता चलता है? जाहिरी तौर पर नहीं पता चलेगा, लेकिन उस ताल्लुक की वजह से पता चल जाएगा। ठीक है, ये ताल्लुक हर वक्त जाहिर नहीं होता, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे आएगी आगे हम कभी देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मिसाल के तौर पे एक उस्ताद जब हदीस बयान कर रहे हैं तो वो मजमे में बयान कर रहे हैं, अब उस मजमे में आम शख्स भी हैं, उनके तलबा भी हैं। उसी उस्ताद के बारे में एक ऑब्जर्वेशन एक आम शख्स देता है और एक ऑब्जर्वेशन उनका एक तालिबे इल्म देता है। इख्तिलाफ आ गया मिसाल के तौर पर कि वो कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहा है, तो कहीं पे चूंकि उस तालिब इल्म का ताल्लुक है उस्ताद से, वो उनके बारे में वो चीज जानता होगा कि अगर उस्ताद ने ये बात कही भी थी लेकिन उनकी मुराद ये नहीं थी, अगर उन्होंने इस तरीके से किया भी था लेकिन उनका जो जो उनका मकसद था वो कुछ और था। ठीक है, तो ये चीज भी मैटर करती है कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान क्या ताल्लुक हो, बहुत अच्छी बात थी। उसके अलावा और क्या चीज होती है? अच्छा चलें, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो हमने मुख्तलिफ चीजें बयान की, ये सारी वो चीजें हैं जिन पे उलमा ने, जैसे यहाँ पे नाम भी आ रहे हैं आदिल आकिल असलम शाज इल्लत वगैरह, ये सारी वो सलाहत हैं जो उलमा ने स्कॉलर्स ने रूल्स को जमा किए हैं। ठीक है, और इन्हीं रूल्स को एक पैटर्न पे लाना है, और ये रूल्स कब फुलफिल हो रहे होते हैं तो उलमा ने क्या इस्तलाहत इस्तेमाल की हैं, और कब कौन सा रूल मिसिंग होता है तो कौन सी इस्तलाह इस्तेमाल होती है, कहाँ पे किस चीज को प्रेफरेंस देनी है, कहाँ पे किस चीज को छोड़ देना है, इसी तरह के कुछ चीजें हैं जो कि हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसूल हदीस में कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जिसके जिसका जो डिफरेंस होगा या जिसका जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें थोड़ी सी डेप्थ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात या डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। बस आपने ये रखना है जहन में कि जब कोई टर्मिनोलॉजी यूज हो, आप अगर लिख रहे हैं तो अपने पास ऐसे वर्ड्स में लिखें कि जब आप मुराजा करें तो आपको वो चीज क्लियर हो, क्योंकि जब हम बुक्स में देखेंगे तो उन्होंने अपनी अपनी इस्तलाहात इस्तेमाल की होंगी, बात वही होगी। दो किताबें उठा लें, एक लफ्ज की दो तारीफें की भी होंगी, बात एक ही होगी, वर्ड्स डिफरेंट होंगे। तो आपको अगर आपको पहले से पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अगर आप लिख रहे हैं, मैं वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं बोलूंगा कि आप ये तारीफ लिखें। ठीक है, मैं आपको बुक आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मैं कोई बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं आपके सामने कि आप कहें भाई ये टॉपिक था फिर ये टॉपिक था, हो सकता है हम आगे पीछे भी होते रहे। ठीक है, जी जी वो मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको बता दूंगा कि आप रीड करना चाहें आप रीड कर लें। कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो कि
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या इस तरह के पर्सपेक्टिव तो आप अच्छी बातें पढ़े, वरना अक्सर उस उसूल हदीस की जो बुक्स होती हैं उनमें ज्यादातर जो चीज भरी हुई होती है वो इस्तलाहात होती हैं और कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, तो इस्तलाहात जो हैं वो फिलहाल हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये इस्तलाहात आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ जो आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली इस्तलाहात हैं वो इंशाल्लाह हम इतनी बार रिपीट कर लेंगे कि आपके जहन में क्लियर हो जाएंगी या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उनकी जो उनकी फर्दर टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे तदलीस एक चीज होती है, मुदल्लिस रावी होते हैं, तो अब मुदल्लिस या तदलीस जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। अब हर किस्म का नाम याद रख पाना वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो बस आपको याद हो कि मुदल्लिस रावी जो है कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो गया, फिर अब वो तदलीस शुयूख है या तदलीस तस्विया है वो इतना कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन जब नाम आए इंशाल्लाह आपके पास तो वो क्लियर हो। मैं किताब आप लोगों को रेकमेंड कर दूंगा, या मैं आपको वैसे बता दूंगा कि ये कुछ कुतुब है जो आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ आपको LMS पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि फिर वो मेरे गले पे आएंगे, क्योंकि फिर वो स्टूडेंट जो है वो फिर उसको कुछ है जो फॉलो करेंगे, फिर बोलेंगे कि ये आपने इस तरह नहीं किया, ये आपने उस तरह नहीं किया, तो वो मैं नहीं करूंगा। जितना हम टॉपिक इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं हम ग्रेजुअली कर लेंगे। अगर हमें मौका मिल गया कि हमारे टॉपिक्स पहले कवर हो गए सेमेस्टर खत्म होने से, तो हम उसूल फिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। उसूल फिक में कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, टेक्निकलिटी ज्यादा है, तो उसमें हमें टाइम लगेगा। जी टर्मिनोलॉजीज अभी मैं मुश्किल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज आपके लिए वक्त के साथ आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह, जब हम इनको एक लॉजिकल ऑर्डर में ले आएंगे। ठीक है, और बिल्कुल बस सिंपलीफाई करके उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑर्डर में लाना है, वो बुनियादी चीजें याद हो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तफसीलात फिर आप इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। इस्तिलाह का माना होता है टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर नमाज जो है वो एक इस्तिलाह है, इस्तलाह है किसी एक खास अमल की। ठीक है, एग्जाम होगा, बिल्कुल जी एग्जाम होगा, हर सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट का एग्जाम आपके लिए सबसे ज्यादा आसान हो, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। आज चूंकि द बोर्ड क्लियर है और इंटरनेट के भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा हम आगे नहीं कंटिन्यू करते, आज हम क्लास को यहीं पे ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को है इंशाल्लाह। फ्राइडे तक आपने क्या चीज देखनी थी? हुज्जियत हदीस। ठीक है, कम अज कम तीन सोर्सेस कुरान की हों कि कुरान में कहाँ पे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस बात पे दलालत करते हैं कि हदीस जो है वो हमारे लिए एक हुज्जत है, और तीन रेफरेंसेस आप अहादीस से ले लें। अब लगत कहाँ लगा फिर रसूल हसन। ठीक है, बिल्कुल अभी नहीं ना वो फिर हम कर लेंगे ना। असल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को पता होते हैं कि आपने टॉपिक सुने हुए होते हैं, लेकिन कुछ तलबा होते हैं जिन्होंने वो नहीं डिस्कस किया हुआ होता, तो आप अगर खुद सर्च करेंगे तो ये आपके लिए जो है वो ज्यादा मुफीद रहेगा। ठीक है, देखें एक ही बात है कि ये जो क्लासे होती हैं, इन क्लासों का एक मकसद तो होता है कुछ कंटेंट डिलीवर करना, लेकिन एक बात ये भी होती है कि आपको एक तरीका पता चल जाए ना कि भाई आपने सर्च करना है। आप सर्च करेंगे, जो पहली बार सर्च कर रहे हैं जिनको पहले से पता है अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जो पहली बार सर्च कर रहे होंगे उनको क्लियर हो जाएगा कि भाई हमने जिस तरीके से सर्च किया था क्या हम उस कंक्लूजन तक पहुंच भी सके हैं जो कि दूसरे पहुंचे हैं या नहीं। टॉपिक है हुज्जत हदीस या हुज्जियत हदीस। बेसिकली आपको ये पता करना है कि हदीस को एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ एक्सेप्ट किया जाए, इसका क्या प्रूफ है या इसका क्या एविडेंस है कि क्यों हम हदीस को जो है वो सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कंसिडर करते हैं, कि इस्लामी अहकाम हदीस से क्यों साबित हो। उसकी वजह क्या है कि आजकल पहले से भी चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल भी ये एक टॉपिक ऑफ डिसएग्रीमेंट बना दिया गया है कि भाई अहादीस जो है वो एक उन पर एतबार किया भी जाए या नहीं किया जाए। जी मुनकरीन हदीस ये जो है जो हदीस का इनकार करते हैं कि भाई हदीस जो है जो आप जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया था कि भाई एक वक्त आएगा जब एक शख्स जो है वो एक कुर्सी पे बैठ के आप लोगों को कहेगा कि जो इस कुरान में है उसको एक्सेप्ट करो, इसके आगे पीछे किसी बात पर एतबार ना करो, तो ये भी एक सोच है। तो खैर ये टॉपिक आपके पास आगे भी आएगा इंशाल्लाह, लेकिन कम अज कम आप टॉपिक की एक शुरुआत के लिए उसूल हदीस के लिए मुस्तरा के लिए मैं कुछ डिक्टेट नहीं करवाऊंगा, मैंने कहा। तो ये आप जरा पता कीजिएगा कि भाई हदीस हमारे लिए एज हुज्जत है, एविडेंस है, सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। तो मैं मेरी बात मुकम्मल नहीं थी, तीन कुरान की रेफरेंसेस हो गए, तीन अहादीस के हो गए, और तीन जो है वो क्या बाकी रह गया, अक्वाल सहाबा से, या अक्वाल सहाबा हो या आमाल सहाबा हो,
कि जहां पे सहाबा से ये साबित होता है कि उन्होंने हदीस को एक शरीयत का एक माखज बनाया। माखज किस चीज को कहते हैं? सोर्स को, जहां से किसी चीज को अखज किया जाए। ठीक है, अखज या खुजू लेना, और माखज वो जगह जहां से लिया जा रहा हो। जिस तरह हमने पिछले साल क्या पढ़ा था, वो जगह जहां से जिसका ताल्लुक हो उस फेल से, कोई वर्ड याद आ रहा है आपको? मसदर नहीं, वो जगह, तबख यतबुखु, इसका क्या माना होता है? तबख यतबुखु, अच्छा चले छोड़े, सजदा यस मस्जिद, वो जगह जहां पे सजदा किया जा रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह ये जो दो वजन है, मफ़अल और मफ़इल, जहां पे किया जा रहा हो, जैसे तबख यतबुखु, उन्होंने कहा कि पकाना, तो मतबख जहां पे कुकिंग होती है, किचन। ठीक है, इसकी तरह इसको कहते क्या है वैसे, किसी को पता है? अच्छा, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं जो कि जमाना या वक्त बताते हैं? जमाना वक्त एक ही चीज, सॉरी, जमान या मकान बताते हैं, वक्त या फिर जगह बताते हैं, ज़र्फ़, बारकल्लाहु फीक, ज़ुरूफ़ होते हैं जो कि जगह या फिर वक्त बताते हैं। कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल जी? तहता, तहता, बिल्कुल सही बात। तहता जो है वो क्या बता रहा है? नीचे। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। तहता, कबला, ये भी ज़ुरूफ होते हैं। और जो इस्मु ज़र्फ होता है वो मफ़ालुन या मफ़ईलुन के वजन पे आता है, जैसे कि मस्जिदुन या फिर मतबखुन। एक और इन्होंने एग्जाम्पल दी थी, मलअबुन। आप बताएं मलअबुन का क्या मतलब होगा? लाइबा या लबू का माना होता है खेलना, मलअब का क्या माना होगा? लाइबा या लबू फेल है, इसका माना होता है खेलना। मलअब क्या बनेगा? जिस जगह पे खेला जा रहा हो। ठीक है, तो प्लेग्राउंड हो गया मलअब। ठीक है, तो इस तरह मखज, अखज या खुजू लेना, मखज वो जगह जहां से लिया जा रहा हो। तो मखज शरीयत का माना क्या हुआ कि जहां से शरीयत को लिया जा रहा हो। तो ये चीज के सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी उनकी बातों से या उनके अमल से शरी अहकाम को लिया है, उनको हुज्जत माना है, एज अ सोर्स ऑफ लॉ कहा है कि भाई देखें, चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है इसलिए हमें करना जरूरी है। तो वो तीन जो है वो आप रेफरेंसेस तलाश करें, इंशाल्लाह फिर ये टॉपिक जो है हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल रखेंगे। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि मैं किताब आपको रेफरेंस दूंगा, जैसे आपने मेंशन की कि जो विफाक में फॉलो होती है आप बिल्कुल उसको पढ़ें, उसके अलावा भी कोई उसूल हदीस में किताब होती है आप उसको पढ़ें, फॉलो करें। लेकिन मुझसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि मैं किसी किताब को फॉलो कर रहा हूँ या मैं किसी किताब की सीक्वेंस को फॉलो करूँगा। ठीक है, जितना हम कवर करेंगे उतना हम कवर करेंगे, चाहे वो उस बुक में कवर किया हो गया हो या ना किया गया हो। ये जो अभी मैंने आपको कहा है काम करने का, ये मैं आपसे सिर्फ इसी तरह चेक करूंगा कि मैं आपसे ऑनलाइन पूछूंगा और आप जवाब दे देंगे। बाद में जो असाइनमेंट्स आएंगे, ठीक है, बाद में जो असाइनमेंट्स आएंगे वो फिर जो है उसकी चेकिंग का हम कोई तरीका इंशाल्लाह निकाल लेंगे। ठीक है जी, अभी जी कुरान से, हदीस से और सहाबा से, तीन नहीं इसके अलावा बस बहुत है उस जी, के हदीस जो है वो हुज्जत है। बिना बुक के कैसे पढ़ेंगे, ये अच्छा सवाल है, बिना बुक के कैसे पढ़ेंगे? लेआउट हम बनाएंगे ना, वही तो बनाना है। बुक में हर ऑथर ने अपनी सीक्वेंस फॉलो की हुई होती है, उन्होंने भी एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया होता है, लेकिन एक जो इशू है वो ये होता है कि उसमें टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशंस बहुत होती है, यानी वो उन्होंने हर चीज की डेफिनेशन बयान की हुई होगी। अब वो डेफिनेशन हम कवर करेंगे, लेकिन इस ईयर में उस टॉपिक को बिल्कुल लाइट रखना है। वो हमारा टारगेट ये होगा कि कमिंग टू इयर्स तक जो आपकी अहादीस या मिसाल कोई और टॉपिक्स पढ़ रहे हैं,
तो उसमें जो कुछ इस्तलाहात आम इस्तेमाल में आएंगी, मिसाल के तौर पे अगर एक उस्ताद कहते हैं कि यह हदीस मुरसल है, तो आपको पता हो कि मुरसल का क्या मतलब होता है। अगर आपको कहें कि यह हदीस जो है वो सही लिजात ही है, तो इसका क्या मतलब होता है। या आपको कहें कि भाई यह हदीस जो है वो ज़ईफ़ है इत्तेहामुल तोहमतुल कज़िब की वजह से, तो आपको पता हो कि भाई इसका क्या मतलब होता है। तो इस तरह की बुनियादी चीज़ जो है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इस्तलाहात हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, कुछ इस्तलाहात हैं जो कि बहुत इस्तेमाल होती हैं। या फिर आपको कम अज़ कम इतना पता हो कि अहादीस एक्सेप्ट किस बुनियाद पर की जाती हैं, मुहद्दिसीन के यहाँ क्या उसूल रहे हैं, और रिजेक्ट किस बुनियाद पर की जाती हैं, और क्या वजह होती है, तो वो उसकी ग्रेड मतलब क्या कहेंगे, कैटेगराइजेशन कह लें या उसकी ग्रेडिंग कह लें कि मिसाल के तौर पे दो बातें हैं, प्रेफरेंस किसको देनी है, तो वो प्रेफरेंस का क्राइटेरिया, तरजीह जो है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको बुनियादी तौर पे क्लियर हों, मोटी मोटी से बातें वो क्लियर हों, फिर उनकी तफासिल जो है वो देखिए बहुत सारी किताबें, कौन कौन सी बताएं, अरे वो साले उसेमीन की भी हैं, विफाक की भी हैं, विफाक वाली फॉलो करें अच्छा है, विफाक वाली जो विफाक का एग्जाम देना चाह रहे हैं उनको आसानी हो जाएगी, लेकिन परेशान ना हो, बुक के बगैर भी बहुत सारे यानी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में पढ़ाई गई हैं, पढ़ाई जाती भी हैं, और अरसे दराज से इंसान ने पढ़ी भी, बगैर बुक के भी पढ़ी है। बुक होना अच्छी बात है, लेकिन हम चूंकि इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करना चाह रहे हैं फिलहाल, तो इसलिए हम बुक के बगैर चीज़ों को सिंपल रख के चलेंगे। आप अपने पास नोट्स बनाते रहें चाहें तो, नहीं भी बनाना चाहें, जो टर्मिनोलॉजीज हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो, इंशाल्लाह चीज़ क्लियर होगी। नहीं, पिछले साल के नोट्स अगर हो भी तो वो मुझे नहीं पता, मैं आपको सिंपल जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझ पे कोई चीज़ हुज्जत बना के पेश नहीं कीजिएगा कि भाई ये देखें ये किताब में था आपने नहीं पढ़ाया, ये नोट्स में था आपने नहीं पढ़ाया। ये मैं बेसिकली जो सिंपल आर्डर आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ये नहीं कीजिएगा, जो क्लास में हम करेंगे वही जो है वो आप उसका मुझे आप कहिएगा कि भाई ये आपने पढ़ाया था तो ये आपने इस तरह पढ़ाया था, वो आप कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अलावा आप आज़ाद इंसान हैं, जितनी बुक्स आप पढ़ना चाहें आप पढ़ें, उसूल हदीस पे उर्दू में भी बहुत बुक्स हैं, इंग्लिश में भी हैं, अरबी में भी हैं, बहुत आसान आसान किताबें भी हैं। एक किताब जो कि आपके कोर्स का सिलेबस बनेगी फोर्थ ईयर में आपके, तहसील मुस्तलाह हदीस, तो वहाँ पर जो है आप डिटेल में हर चीज़ को पढ़ेंगे। फिलहाल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो इंशाल्लाह, बाकी चीज़ें कोई मसले की बात नहीं है। अब मैं बात ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, जज़ाकुमुल्लाह खैर, उम्मीद है कि अगली क्लास तक की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर है इंशाल्लाह, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास से देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनके पास अवेलेबल होगी, अभी उनकी जो फोकस है वो जो हमारे सिलेबस की बुक्स हैं वो हैं, लेकिन आसानी से अवेलेबल हो सकती है, आप उनको अगर कह दें तो वो हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम में हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि विफाक की बुक आराम से मिल जाती है, विफाक में जो उसमें जो पढ़ाई जाती है वो इदारे में मौजूद है किताब नहीं, वो उनके तो इतना एतबार है, वफाकुल मदारिस सलफिया जो है वो उसका जो है निसाब वगैरह का यहाँ पे किताबों का कुछ यानी अवेलेबल होगी, अवेलेबल इस तरह के अभी वो शायद परचेज के लिए अवेलेबल ना हो, कम अज़ कम लाइब्रेरी में मौजूद होगी, तो उनको कह दिया जाएगा तो वो आराम से उसको अक्वायर कर लेंगे अगर आपको ज़रूरत हो इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुभानकल्लाहु व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। तदलीस ये मैंने अभी सिर्फ ऐसे ही अपनी इल्मियत झाड़ने के लिए मैंने आपको एक इस्तलाह कही थी तदलीस, तो आप इसको अभी ये ना हाँ नहीं आप इनको जो है अभी इन टर्मिनोलॉजीज को जो है वो आप अभी अभी एक्सप्लेनेशन उनकी नहीं करेंगे, जब उनका वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हर चीज़ की डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, माजर का अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन आप लोगों की आप खुद मैनेज करें, आपका आपका इदारा है, आपकी तालीम है, आप जिस तरह मैनेज करना चाहें आप करें इंशाल्लाह, अच्छा होगा कि अगर आप अपने आप को टारगेट्स दें, जो असाइनमेंट्स और एग्जाम्स होंगे वो आपको इंशाल्लाह फिर फॉलो करने होंगे। जो आप किताब का पूछ रहे हैं काशिफ साहब, मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि कोई मसला होगा या नहीं होगा, हैं इख्तलाफात हैं अहादीस के कबूल करने में और कबूल ना करने में कुछ इख्तलाफात हैं,
तो उन इख्तलाफात का अगर आपको पता हो तो आप उसके एतबार से अगर पढ़ते हैं तो फिर वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। नहीं, मैं किसी मखसूस किताब से भी नहीं पढ़ाऊंगा, टीचिंग के लिए मखसूस किताब। जी इंशाल्लाह आप किताब फॉलो कर ले, कोई मसला नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि नहीं, मैं अभी नहीं, मैं फॉलो करूँगा। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बेसिक वो किताब में फिर ये होता है कि हम किताब में अटक जाते हैं थोड़ा सा, किताब को क्लियर करना, किताब को एक्सप्लेन करना, तो और फिर वो फिर बीच में क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, फिर उसको जब तक क्लियर ना हो तब तक वो सुई अटकी रहती है, तो वो फिर हमारा टाइम जो है उसमें थोड़ा इन्वेस्ट हो जाएगा। ये सारी असलाहत आप इंशाल्लाह आगे फोर्थ ईयर में, वो अच्छी बहुत अच्छी किताब है, उसमें सारी असलाहत आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। जी बिल्कुल लीव कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।